सो क्वेश्चन इज द वेरिएशन ऑफ मोमेंटम विद टाइम ऑफ वन ऑफ बॉडी इन टू बॉडी कोलीजन इज शोन एज इन फिगर द इंस्टेंटेनियस फोर्स इज मैक्सीम करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट किस पॉइंट पर हमारी जो इंस्टेंटेनियस फोर्स होगी वो मैक्सीम होगी हमारे को पता है कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्लियर तो हम यहाँ पर अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम का कर्व बना रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगी वो मोमेंटम वर्सेस टाइम का क्या होगी स्लोप होगी इज दैट क्लियर तो अगर हम हर जगह देखें जैसे हमने पी पर देखा पी का एंगल छोटा है तो पी पर जो स्लोप आएगा वो छोटा स्लोप होगा ऐसी क्यू पर देखोगे तो जो क्यू का स्लोप आएगा वो बड़ा होगा इज दैट क्लियर आर का स्लोप और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अगर हम एस को देखें तो एस का स्लोप छोटा हो जाएगा क्योंकि उसका एंगल छोटा है तो अगर हम एस के स्लोप को देखें तो एस का स्लोप हमारे आर के स्लोप से भी छोटा होगा यहाँ सबसे बड़ा स्लोप कौन सा है आर का स्लोप सबसे बड़ा है तो हम यहाँ सेफली कह सकते हैं कि भाई यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फोर्स हमारे को एनकाउंटर हो रही होगी देन पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स सच दैट द लीनियर मोमेंटम इज़ गिवन टू यू एज फॉलो यू हैव टू फाइंड द एंगल इन बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम मोमेंटम दे रखा है तो फोर्स निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से तो फोर्स हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा ए आई कैप कॉस का हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन के टी के एज इट इज दैन माइनस जे कैप साइन के टी का क्या हो जाएगा के कॉस के टी तो ये हमारे पास क्या आ गई फोर्स आ गई अगर मुझे मोमेंटम और फोर्स के बीच में एंगल निकालना है तो मैं डायरेक्टली कौन सा फार्मूला लगा दूंगा मैं डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा दूंगा अब मुझे एफ़ डॉट पी करना है अब एफ़ कितना है मेरे पास ए ब्रैकेट आई कैप माइनस के साइन के टी प्लस जे कैप नहीं माइनस जे कैप क्योंकि एक माइनस पहले से ही है तो माइनस जे कैप है माइनस जे कैप के कॉस के टी इसे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ किसके साथ में मोमेंटम के साथ तो एफ डॉट पी ए आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी जब हम इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आई वाला आई के साथ होगा के माइनस का साइन के टी कॉस के टी माइनस माइनस प्लस के साइन के टी कॉस के टी हम यहाँ पर बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो आ रहा है तो ये आंसर ज़ीरो आया कॉस थीटा हमारे पास ज़ीरो कब होता है जब थीटा नाइन्टी डिग्री के बराबर होता है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देन हमारे पास आ रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है एनर्जी बताता है वर्क बताता है इनर्शिया बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है वो सिर्फ इनर्शिया बताता है न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया का लॉ है क्लियर देन फाइव थाउजेंड के जी रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग द एग्जॉस्ट स्पीड इज एट हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द अमाउंट ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू दीडेड फॉर दर्ट विल बी वी नो दिल बीवल टू एम इसे डी एम बाई डी टी तो वी नो दैट एम एज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इन टू वी रिलेटिव दैट इज दर्ट फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स ये हम लिख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया एक रॉकेट है जो कि पाँच हजार किलो का रॉकेट है तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास फाइव थाउजेंड के जी इट इज़ सेट टू द वर्टिकल फायरिंग द एग्जॉस्ट स्पीड इज़ एट हंड्रेड मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास एग्जॉस्ट स्पीड है वो कितनी है एट हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेन एक्सलरेशन हमारा कहाँ पर है अपवर्ड की तरफ है कितना है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज़ क्लियर दी अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड ये हमारे को निकालना है अब ध्यान से देखना है यहाँ पर जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है वो एम है नीचे की तरफ लग रही है तो मैं इसे लिख दूंगा क्या लिख दूंगा यहाँ पर एम और इसका नेचर क्या रख दूंगा नेगेटिव रख दूंगा अच्छा देखो एक और चीज़ हम इसके अंदर कर सकते हैं अगर तुम लोगों को ये पर्टिकुलर फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि ये वेरिएबल मास सिस्टम का एक कंसेप्ट है जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये वाला ये बिल्कुल सही है इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे को लेकिन मान लो तुम्हें नहीं आ पा रहा तो तुम एक काम करना तुम लिखना नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यही लिखना जानते हो नेट फोर्स अगर हम रॉकेट पर देखें तो कौन कौन सी लग रही है एक लग रही है थ्रस्ट एक लग रही है एम जी एक्सेलेशन है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए थ्रस्ट फोर्स कितनी होती है हमारे पास डी एम बाई डी टी वी रिलेटिव इस एम जी को इस तरफ ले जाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा ए प्लस जी तो यहाँ पर से डी एम बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं मैंने सोचा कि यहाँ पर चलो तो मैं वेरिएबल मास सिस्टम का फॉमूला लिख दूंगा लेकिन इतना ज़्यादा अपने को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्टली फॉमूला भी लगा सकते हैं मतलब जो हम जानते हैं एफिकल टू एम ए उससे भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा एम ए प्लस जी अपॉन में वी रिलेटिव तो एम की वैल्यू कितनी देर रखी है पाँच हज़ार ये डेटा सारा रखना पड़ेगा ए प्लस जी ए हमारे पास कितना है ट्वेंटी और जी हमारे पास है टेन तो ये हो जाएगा थर्टी देन रिलेटिव वेलोसिटी हमारे को दे रखी आठ सौ क्लियर इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो एक सौ सत्तासी पॉइंट पाँच किलोग्राम पर सेकेंड का आंसर आना चाहिए विच इज़ नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये हमारा आंसर होगा देन हमसे कहा गया इन डायग्राम द एक्सेलरेशन ऑफ द मास विल बी लेटे से हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ है तो मास टू एक्सलेशन इक्वल टू प्लस एफ माइनस टी तो एक्सलरेज विल बी एफ माइनस टी अपॉन में एम दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी देन हमसे कहा गया अ अल इज फायर्ड फ्रॉम द कैनन विद अ वेलोसिटी वी मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ थीटा तो एक शेल को हमने फेंका वी मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द वेरी हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर इट एक्सप्लोड इनटू टू पार्ट्स दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया एम बाई ट जिसमें से वन ऑफ द पीस रिस्ट्रेसिस द कैनन एक पार्ट जो है वो इस पार्ट को वापस रिट्रेस करता हुआ कैनन पर ही गिर जाता है द स्पीड ऑफ द पीस इमीजिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन हमें यह बताना है जो दूसरा व्यक्ति होगा उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी ठीक है द स्पीड ऑफ द स्पीड वो भी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पीस इमीजिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन हमसे पूछा गया है मतलब इसकी हमसे स्पीड पूछी गई हम लिखेंगे कि इनिशियली जो हमारा पूरा एम मास का शेल था वो आगे की तरफ जा रहा था किस वेलोसिटी से जा रहा था यू कोस थीटा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मैं यहाँ पर कर दूंगा ठीक है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम यू कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एम बाय टू मैं इसकी बात कर रहा हूँ अस से इसकी स्पीड कितनी है वी है एम बाई टू वी पॉजिटिव माइनस एम बाय टू इसकी स्पीड नेगेटिव होगी ठीक है तो माइनस वी डैश अब ये वापस अपने इसी पाथ पर आया है तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इतनी ही होने वाली है तो ये कितनी हो जाएगी v कॉस थीटा तो यहाँ पर टू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा m को काट दूंगा मेरे पास तो क्या आएगा टू यू कॉस थीटा इक्वल टू वी माइनस वी कॉस थीटा आ, वी नहीं यू लिखो यार ठीक है एक सेकेंड ये तो यू कॉस थीटा होगा ना क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी यू ले रखी है हम उसे वी से नहीं दिखा सकते तो ये यू कॉस थीटा होगा यू तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री यू कॉस थीटा जब ये इस तरफ चला जाएगा मैं थोड़ी सी राइटिंग को साफ करके लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना पड़े मेन बात पता है क्या है तुम लोग ये सोच रहे होंगे सर आप एक बात बताओ ये जो वीडाइश है ये यू कॉस् थीटा कैसे आया मुझे पता है तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा देखो यार एक बात सोचो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके मास से हमारे को कोई लेना देना नहीं होता एक्चुअली उसकी वेलोसिटी वगैरह चीजों से लेना देना होता है तो अगर इस मास एम बाय टू को सेम पास को रिट्रेस करना है तो इसके पास भी वेलोसिटी यू कॉस्ट थीटा ही होनी चाहिए लेकिन बस उल्टे डायरेक्शन में होनी चाहिए है ना तभी ये रिट्रेस करते हुए वापस कैनन पर अटैक कर देगा बस यही हमारे को यहाँ पर नॉलेज लगानी है और इसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा तो ये ए आंसर होगा देन फिर हमसे क्या कहा गया अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ हमसे कहा गया कि अगर एक कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक रफ रोड पर मूव कर रही है कार मूविंग ऑन रफ रोड ठीक है देन नो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द इंजन गलत है फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय द इंजन सही है अदरवाइज कार आगे कैसे जाएगी अगर भाई रोड मतलब इंजन ही नहीं दे रहा हमारे को थ्रस्ट तो कार कैसे है? हवा से तो आगे जाएगी नहीं तो फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय द इंजन एंड एक्सलेशन इज बींग प्रोड्यूसड बाय इन द कार इंदा कार का मतलब क्या होता है मतलब क्या कार के अंदर बैठे बैठे एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा देखो कभी कभार क्या होता है कि सोल्यूशन की लैंग्वेज चेक करनी पड़ती है इंदा कार बोल रहा है तो मतलब कार के ऊपर एक्सेरेटर मैंने दबाया कार आगे बड़ी नहीं बढ़ी मगर मुझे धक्का लगा पीछे की तरफ मैं दीवार से चिपक गया अंदर कार के अंदर एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहा है देख रहे हो मतलब कैसा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन तो खुद ही गलत हो गया वर्बली गलत हो गया करेंटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग कहाँ से करेंट एनर्जी कार की इंक्रीज कर जाएगी तुम्हारे पास फ्रिक्शन है फ्रिक्शन है तुम्हारे पास क्या वो एनर्जी इंक्रीज होने देगा खुद सोचने वाली बात है गलत हो गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया सिर्फ ऑप्शन बी सही हो गया मास ऑफ अ मैन व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट इज सिक्सटी के जी वट विल बी द वेट व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ फोर पॉइंट नाइन तो इसमें सीडो फोर्स लगा देंगे कि जो उसका नेट मास देखने को मिलेगा हमारे पास जो नेट वेट देखने को मिलेगा वो हमारे को कितना मिलेगा एम जी प्लस ए एम जी की वैल्यू कितनी है टेन ए की वैल्यू हमारे पास फोर पॉइंट नाइन दे रखी है और एम की वैल्यू कितनी है साठ किलो का व्यक्ति है तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एट एट्टी टू के आसपास का आंसर आ जाता है दैट इज़ एट एट्टी टू के जी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर देन आगे बढ़ते हैं वाइल वेटिंग इन अ कार एट अ स्टॉप लाइट एंड एट्टी के जी मैन एंड कार सडनली एक्सेलरेट टू अ स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड तो एक रेड लाइट के आगे कार रुकी तो उसके अंदर अस्सी किलो का इंसान बैठा हुआ था अब हुआ क्या उसने ढप से लेकर पैडल पर पैर मार दिया कार एक्सेलरेट कर गई रेस्ट से उसने वेलोसिटी गेन कर ली फाइव मीटर पर सेकेंड कितने समय में गेन कर ली है पॉइंट फोर ठीक है अब हमसे कहा जा रहा है एवरेज फोर्स निकालो तो एफ एवरेज विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम मोमेंटम कितना चेंज हुआ एम चेंज इन वेलासिटी अपॉन टोटल टाइम मास हमारे पास कितना दे रखा है अस्सी किलो चेंज इन वेलासिटी फाइव माइनस जीरो टोटल टाइम पॉइंट फोर आंसर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर चार दुनिया आठ दो पंजे दस कितना आ जाएगा हजार न्यूटन डायरेक्टली आंसर डी लगाया जा सकता है क्लियर देन मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास फोर्टी ग्राम विदा वेलासिटी ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड मीटर पर मैन होल्डिंग इट कैन तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फोर्स का मतलब होता है हमें चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम अगर हम यहाँ पर देखें एक बुलेट चालीस ग्राम की है और उसकी वेलोसिटी बारह सौ मीटर पर सेकेंड है तो वो बंदा एन बुलेट फेंकेगा तो एन बुलेट मल्टीप्लाइड बाय एक पर्टिकुलर बुलेट का चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम अब उसने हमसे क्या पूछा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड तो ये एन अपॉन में डेल्टा टी क्या बन जाएगा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड इंटू चेंज इन मोमेंटम एफ़ तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ अपॉन में चेंज इन मोमेंटम एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी देर रखी है एक सौ चवालीस चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा चालीस ग्राम की बुलेट है और जो चेंज इन वेलोसिटी उसके पास आई कितनी आई बारह सौ मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास लगभग लगभग कितनी आ जाएगी थ्री आ जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा थ्री देन हमसे क्या कहा गया एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ इन स्पेस सडनली एक्सप्लोर इन टू थ्री पार्ट एक ऑब्जेक्ट है वो स्पेस के अंदर तीन पार्ट में बट गया सेम मास एम बाई थ्री हर किसी का मास कितना है एम बाय थ्री के बराबर है एम बाय थ्री द मोमेंटम ऑफ द टू पार्ट आर टू पी आई पी जे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट इफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर सेम तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें सॉल्व कर देता हूँ इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो सेम है ये बता दो कि जो थर्ड पार्ट होगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर द एक्सप्लोजन मोमेंटम जीरो हो गया आफ्टर द एक्सप्लोजन जो मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया टू पी आई कैप ये पहले वाले का मोमेंटम है ऐसी पी जे कैप ये दूसरे वाले का मोमेंटम है लेट अस से तीसरे वाले का मोमेंटम एक्स हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस टू पी आई कैप माइनस पी जे कैप अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी तो ये तीसरे वाले की वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल कर आएगी थ्री अपॉन में m माइनस टू पी आई कैफ माइनस पी जे कैफ इसका हमें क्या निकाल लेना है मॉडलस निकाल लेना है थ्री बाई m इन ये हम हटा देते हैं यहाँ पर से हाँ तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे थ्री बाई m को मैं बाहर ले लेता हूँ टू पी का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर क्लियर है तो यहाँ पर से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो योर ऑप्शन हमें यही तो निकालना था वेलोसिटी का वेक्टर तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है वो तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया देन हमारे पास क्या दे रखा है अब वन थाउजेंड के जी रॉकेट इज सेट इन वर्टिकल फायरिंग हाइपोथेटिकल प्लैनेट एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ़ ऑफ़ मीटर पर पर अमाउंट गैस इजेक्टेड फॉर द सप्लाई इज तो वही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन दैट इज माइनस एम एक्सेलरेशन थ्रस्ट फोर्स हमारे पास कितनी हो जाती है तो यहाँ से डी एम बाई डी टी की वैल्यू हमारे को निकालनी है यही पूछ रहा है ना अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए अपॉन में वी रिलेटिव अब यहाँ पर हजार किलो का रॉकेट है ग्रेविटी कितनी दे रखी है उस प्लेनेट की बारह दे रखी है एक्सेलरेट किससे कर रहा है आठ से एक्सेलरेट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दे रखी है दो सौ दे रखी है आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड के जी पर सेकेंड ठीक है तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी देन फिर हमसे क्या कहा जा रहा है अ रॉकेट ऑफ मास हंड्रेड के जी बर्नस पॉइंट वन के जी फ्यूल पर सेकेंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इज़ वन किलोमीटर पर सेकेंड देन द लिफ्ट देन इट लिफ्ट विद एक्सलरेशन ऑफ तो यहाँ पर भी हम वही वाला फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन यहाँ एक चीज़ है देखो ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है ना ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा धरती पर है स्पेस में है कहाँ पर है ये तो बोल दे कम से कम जब नहीं बोल रखा तो हम नहीं मानेंगे तो यहाँ पर थ्रस्ट की वैल्यू एम के बराबर हो जाएगी दैट इज़ वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इक्वल टू किसके बराबर एम के बराबर हमसे क्या पूछा गया देन इट लिफ्ट विद एन एक्सेन ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी अपन मास एम वी रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है कहाँ गई वी रिलेटिव ये रहा एक किलोमीटर पर सेकेंड तो एक किलोमीटर पर सेकेंड इन टू डी एम बाई डी टी पॉइंट वन और मास सौ किलो

टकराती है बाउंस बैक कर जाती है इसी स्पीड के साथ जिस स्पीड के साथ टकराई उसी स्पीड के साथ क्या कर गई बाउंस बैक कर गई इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज़ वन मिली सेकेंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है एक मिली सेकेंड का देन द एवरेज फोर्स तो एवरेज फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम टोटल टाइम चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया टू टाइम्स ऑफ एम इन टू वी अप ऑन टोटल टाइम ठीक है टोटल टाइम हमारे पास दे रखा है एक मिली सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है दो मीटर पर सेकंड मास हमारे पास कितना दे रखा है पॉइंट फाइव के जी सब अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दो हज़ार न्यूटन तो दो हज़ार न्यूटन विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन देयर आर टू फिक्स्ड फ्रिक्शन लेस इन प्लेन्स विच आर मेकिंग एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री ठीक है विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर प्लेसड ऑन द टू प्लेन्स वट आर द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए का रिलेटिव एक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे को निकालना है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई एक्सेलेशन कितना है यहाँ पर ए और बी का तो अगर तुम ध्यान दोगे ये ए नीचे की तरफ जा रहा है जी साइन थीटा से बी भी नीचे की तरफ जा रहा है जी साइन थीटा टू से मान लो ये थीटा टू है और ये हमारे पास थीटा वन है तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे जाने का ये इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे जाने का ये ए बी मान लो इसे ए ए मान लो तुम्हारे को जो एक्सेलरेशन चाहिए वो ये वाला चाहिए वर्टिकल वर्टिकल वाला क्लियर अब यहाँ पर ये एंगल कितना है नाइनटी माइनस थीटा तो अगर मैं अगर ध्यान से देखूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एनी ब्लॉक विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो यहाँ एम से एम कट जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूँ चाहे ए ए हो चाहे ए ए बी हो आंसर तो जी साइन थीटा ही आना है थीटा हमें गिवन है तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भाई जी साइन थीटा का काम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अब ये थीटा वन है तो थीटा वन लिख देंगे इस वाले में भी एंगल कितना है नाइनटी माइनस थीटा टू तो यहाँ पर जी साइन थीटा का कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा क्योंकि देखो जी साइन थीटा ही एक्सेलरेशन के बराबर है और एक्चुअली तुम्हें इस वर्टिकल प्लेन में एक्सेलरेशन चाहिए तो वो कितना हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा टू तो अब हमें निकालना है रिलेटिव एक्सेलरेशन है ना रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी अब हमारे लिए ये बी है ये ए है तो ए का कितना आया था हमारे लिए जी साइन स्क्वायर थीटा वन विच इज सिक्सटी डिग्री और बी वाले के लिए जी साइन स्क्वायर थीटा टू विच इज थर्टी डिग्री तो हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा फोर पॉइंट नाइन और किस डायरेक्शन में आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ऑब्वियसली वर्टिकल निकाल रहे तो वर्टिकली डायरेक्शन में आएगा ठीक है तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट वाले सवाल पर आते हैं तो हमारे को ये देखने को मिलेगा देर इज अ बॉल ऑफ फोर हंड्रेड ग्राम विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फाइव मीटर एक बॉल है चार सौ ग्राम की उसे हमने पाँच मीटर की हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करा वर्टिकली देन देर इज अ बॉयू हिट्स द बॉल वर्टिकली अपर्ड विद एन एवरेज फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन एक लड़का नीचे बैट लेकर खड़ा था बॉल जैसी उस बैट से टकराई वो ऊपर की तरफ चली गई लड़के ने कितनी फोर्स लगाई हंड्रेड न्यूटन की फोर्स लगाई इस काम को करने में ठीक है सो द बॉल अटेन हाइट ऑफ ट्वेंटी मीटर इस वजह से बॉल ने ट्वेंटी मीटर की हाइट क्या कर ली अटेन कर ली अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द बैट कितनी देर तक के लिए बॉल बैट के कॉन्टेक्ट में रही तो ये क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम तो चेंज इन टाइम की वैल्यू निकालनी है दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन में फोर्स चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना आ रहा है एम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में फोर्स मास हमारे पास कितना है चार सौ ग्राम का मास है क्लियर फाइनल वेलोसिटी कितनी है जब बॉल बैट से टकराई और ऊपर चली गई तो हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अंडर अंडर रूट रूट से तो 2 into G into H. H क्या है हमारे लिए फाइनल मीटर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टू इंटू जी इंटू एच एच कहाँ है नीचे की तरफ आ रहा है कितना नीचे फाइव मीटर ध्यान रखना कि जो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो यहाँ नेगेटिव लिखना मत भूल जाना क्लियर

टी अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट टी है तो फोर्स हमें बतानी है फोर्स फिर से क्या हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा टू एम वी अपन में टोटल टाइम कितना है टी एक जाने का मोमेंटम कितना है एम वी अगर हम इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो आने के मोमेंटम को नेगेटिव कंसिडर करेंगे इसलिए जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो एम वी माइनस माइनस एम वी हो जाएगा जिस वजह से वो टू एम वी हो रहा है यहाँ पर क्लियर ये चीज़ ध्यान में रखना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है अब फ्रिक्शन लेस इनक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल है lift के एक वेज है ठीक है और इसकी लेंथ एल है अब हमसे कहा गया कि इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है ये लिफ्ट ए एक्सलरेशन से नीचे आ रही है जो कि जी से बहुत कम है इफ़ ब्लॉक इज अलाउड टू मूव डाउन द इनक्लाइन प्लेन अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे तक जा रहा है इट इज मूव अलाउड इट इज अलाउड टू मूव इन द टू मूव डाउन टू द इनक्लाइन प्लेन दैन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक ये बताइए ब्लॉक ए से बी जाने में कितना समय लेगा टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू गो फ्राम ए टू बी वी नो दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्चुनेटली इनिशियल ब्लॉसिटी ब्लॉक की हमारे पास जीरो दे रखी है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए इफेक्टिव टी स्क्र हो जाएगा ए ए इफेक्टिव इफेक्टिव क्या है एक्सेलरेशन ध्यान से देखोगे बाय मेथड ऑफ फोर्स ऊपर भी लग रहा है और जी नीचे लग रहा है तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन के अंदर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये 90 है. में ये भी 90 है, तो यहाँ पर पीछे की तरफ क्या लगेगा ए साइन थीटा अब ग्रेविटी ए से बड़ी है जी ए से बड़ा है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा कितना जी माइनस ए साइन थीटा तो अगर हम यहाँ पर लगाए टू एस में ए इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी जी माइनस ए साइन थीटा विच इज नंबर डी विच इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम तो इतना टाइम हमारे को लग जाएगा ध्यान रखना नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों बॉडी ऑफ मास फाइव के जी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दरिजिन विद इनिशियल वी थ्री पॉइंट थर्टी आई कैप एंड फोर्टी जे कैप

अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में हमें पता है फाइनल डायरेक्शन फाइनल y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी ज़ीरो तो v इक्वल टू यू प्लस एटी देट इज़ ये हो गया हमारा ज़ीरो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनिशियली है वो कितनी है फोटी एक्सलरेशन अगर हम यहाँ पर देखें y डायरेक्शन के अंदर कितना है माइनस वन टाइम हमें निकालना है तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी

देखो न्यूटन का सेकंड लॉ सबको याद है वहाँ हमने कितने सारे केस सीखे थे रॉकेट वाला केस हो गया एक कैचिंग वाला केस हो गया तो जब तुम कूद रहे होते हो तुम्हारा काम क्या होता है तुम्हारा ये काम होता है कि तुम बेंड क्यों कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि भाई जो तुम पर फोर्स लगे वो कम से कम लगे ठीक है अब फोर्स किस पर डिपेंड करती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टोटल टाइम पर तो तुम बेंड कर रहे होते हो जब अपनी नींत तो उसमें ज़्यादा समय लेते हो बेंड तो कर रहे हो तो मोमेंटम को चेंज कर रहे हो उसको नहीं रोक सकते लेकिन तुम समय ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो ताकि चोट उतनी ना लगे क्योंकि अगर समय ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी तो यहाँ पर एनर्जी का कोई प्रिंसिपल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर यह पहली चीज़ हमारे को पता है ठीक है ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है तो ये कह रहा है चेंज इन तो चेंज इन इन इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम इक्वल टू माइनस फाइनल बिल्कुल नहीं सर फोर्स जीरो थोड़ी ना हो रही है हमारे पास तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ विच इज नथिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर इनट चेंज इन टाइम क्लियर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है हमसे कि वी आर गिवन विद अ बॉडी ऑफ टू के जी एंड इन इनिशियल स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर पर्टिकुलर टाइम एज शोन इन द ग्राफ द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ हमसे ये पूछा जा रहा है भाई फाइनल स्पीड ऑफ़ द बॉडी क्या होगी अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे फोर्स और टाइम का ग्राफ हमारे को क्या दे देता है इम्पल्स दे देता है इम्पल्स का मतलब हमारे पास क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है तो यहाँ पर मैं टोटल इम्पल्स निकाल सकता हूँ कैसे एरिया अंडर द कर्व से एरिया अंडर द कर्व ठीक है पहले एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला एरिया निकालूंगा वन पॉइंट टू बेस कितना हो जाएगा टू और हाइट कितनी हो जाएगी फोर क्लियर दूसरे का एरिया निकालूंगा मैं बेस कितना हो जाएगा हमारे पास फोर माइनस टू टू और हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास फोर थर्ड का एरिया वो तो अलग से मैनुअली निकालना पड़ेगा क्योंकि वो दो चीज़ों का मिक्सचर है एक ट्रायंगल का मिक्सचर है और एक किसका मिक्सचर है एक रेक्टेंगल का मिक्सचर है तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इस एरिया में और एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है अगर इस छोटे से ट्राइंगल की बात करूँ मैं तो वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाय जो इसका डिफरेंस होगा कितना होगा फोर माइनस टू पॉइंट फाइव इंटू जो इसका बेस होगा कितना होगा फोर पॉइंट फाइव माइनस फोर क्लियर तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द ये छोटा सा स्क्वायर जो हमारे को देखने को मिल रहा है अब इसकी मेजरमेंट कितनी है जीरो से लेकर टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई जो बेस हो गया फोर पॉइंट फाइव माइनस फोर बेस तो दोनों का कॉमन है तो ये इसका एरिया आ गया फोर्थ के एरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई जो हाइट है वो टू पॉइंट फाइव है हाइट हो गई टू पॉइंट फाइव क्रॉस जो हमारे पास यहाँ पर लेंथ आ गई लेंथ कितनी है सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव तो ये हमारे पास टोटल टोटल रिस्पेक्टिव एरियाज आ जाएंगे मैं इस वाले एरिया को यहाँ पर लिख देता हूँ थ्री वाले एरिया को ठीक है तो एरिया अंडर द कर्व एक बहुत छोटी सी चीज़ है सबको आनी चाहिए क्या होती है मैं सिर्फ उसमें आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशंस आप लोग खुद करेंगे तो ये सब चीज़ों को मुझे क्या कर देना है ऐड कर देना है तो मेरे पास टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा तो अब ये एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा मेरे पास इम्पल्स इम्पल्स आ गई देन चेंज इन मोमेंटम मास हमारे पास कितना दे रखा है टू इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है फाइव फाइनल स्पीड हमारे को निकालनी है इज दैट क्लियर तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें अगर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट करेंगे तो वैसे एरिया अंडर द कर्व अगर चलो निकाल लेते हैं मैनुअली हम एरिया अंडर द कर्व तुम्हारे पास आना चाहिए लगभग लगभग Uh, दो से दो कट जाएगा ये बचा चार ये बचा चार धूनी आठ ये सब कट जाएगा यार ये तो एटीन पॉइंट टू फाइव के आसपास आ जाना चाहिए दैट इज़ टू इन टू वी फाइनल माइनस फाइव तो वी फाइनल की आंसर कितना आ जाएगा एटीन पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई टू प्लस फाइव तो वी फाइनल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी लगभग लगभग नौ पाँच चौदह तो फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमारे देखने को मिलेगी तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन द वन रुपी कॉइन आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर हर एक कॉइन को हमने ऐसे रख दिया है ठीक है ईच ऑफ मास एम हर किसी का मास एम है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट नहीं है द फोर्स ऑन द सिक्स कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम अच्छा तो हम यहाँ पर बॉटम से काउंट कर रहे हैं कॉइन्स को तो फोर्स ऑन सिक्स कॉइन अच्छा अगर हम नीचे से काउंट करें तो सिक्स कॉइन ऊपर की तरफ पड़ेगा तो एक दो तीन चार पाँच छः हम यहाँ पर हैं ठीक है इस कॉइन पर हम फोर्स लगा रहे हैं देख रहे हैं कि भाई इस कॉइन पर कितनी फोर्स लग रही है अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ईच कॉइन ऑफ मास एम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू द फोर्स ऑन द सिक्स कॉइन फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू अदर कॉइन ऑन द टॉप अब यहाँ पर कॉइन्स तो, uh, कितने हैं देखा जाए तो ऑप्शन के अंदर टेंथ दे रखा है तो हम ये मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पर कॉइन होंगे तो छठवें कॉइन के ऊपर सातवा आठवा नौवा और दसवा एक्स्ट्रा चार कॉइन रखे होंगे अगर एक्स्ट्रा चार कॉइन रखे हैं तो इस वाले कॉइन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही होगी एम जी इंटू फोर फोर एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी बात तो बंदे ने सही कही है दूसरा क्या कह रहा है द द द फोर्स ऑन कॉइन ड्यू टू दिक्कत कॉइन छठवे कॉइन पर सातवें कॉइन की वजह से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है फोर एम जी तो यही हमारे पास छठवा कॉइन है और इसके ऊपर जस्ट सातवा कॉइन है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि छठवें कॉइन पर सातवें कॉइन की वजह से फोर एम जी फोर्स लग रही है जो कि बात सही है क्योंकि देखो सातवें कॉइन के ऊपर और तीन कॉइन पड़े हुए हैं आठवा और दसवां ये तीनों कॉइन क्यूमुलेटिव फोर्स सातवें पर लगा सातवां अपनी फोर्स के साथ साथ उन तीनों की फोर्स छठवें पर लगा रहे है। तो वो अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा ये भी बात सही हो गई कह रहा है, 4MG. पर जो है, हाँ, 4MG. Yes, ये है क्योंकि लॉ लगेगा न्यूटन का थर्ड लॉ लगा लेना ठीक है भाई अगर सातवां कॉइन फोर एम जी की फोर्स सिक्स कॉइन पर लगा रहा है तो सिक्स कॉइन सातवें कॉइन पर भी तो लगाएगा तो ये भी बिल्कुल बात तो सही निकल रही है फिर कह रहे हैं दसवें कॉइन पर नाइन एम जी की फोर्स लग रही है भाई मेरे दसवां कॉइन सबसे ऊपर पड़ा है यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पर है उसके ऊपर कुछ नहीं है अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर दबाव देने वाला कोई नहीं होगा उसके ऊपर बैठने वाला कोई नहीं है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है ज़ीरो कोई है ही नहीं ना उसके ऊपर उसके ऊपर कोई नहीं है तो जब उसके ऊपर कोई नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग क्लियर अ पार्टिकल मूव इन एन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ सच दट द कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज गिवन एज फॉलो द एंगल बिटवीन एफ एंड पी इज़ एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स हमें ये दे रखा है जो उसके लीनियर मोमेंटम के कॉम्पोनेंट है एट एनी टाइम इज गिवन एज टू कॉस टी आई कैप प्लस टू साइन टी जे कैप हमसे पूछा गया फोर्स और मोमेंटम के बीच का जो एंगल होगा वो बताना है तो पहले तो इसे डेरीवेट कर दो तो डेरीवेट करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा फोर्स का ठीक है ये आ गया तुम्हारे पास फोर्स अब डॉट प्रोडक्ट ले लो एफ डॉट पी अपॉन में मॉडल्स ऑफ एफ मॉडल्स ऑफ पी इक्वल टू कॉस थीटा तो जब मैं डॉट करूँगा एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ तो मेरे पास आएगा माइनस फोर साइन टी टी प्लस फोर साइन टी कॉस्टी तो आंसर कितना आ रहा है जीरो तो एफ डॉट पी की वैल्यू जीरो आ रही है दैट इज थीटा की वैल्यू जीरो तो थीटा की वैल्यू जीरो वो थीटा की वैल्यू जीरो कब हो जाती है जब थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री हो जाती है क्लियर है ये बात ठीक है आगे बढ़ते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स सो माई डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन अ शेल एट रेस्ट एट ऑरिजिन एक्सप्लोर्ड इन टू थ्री फ्रेगमेंट एक शेल है ऑरिजिन पे तीन फ्रेगमेंट्स में वो टूट जाता है वन के जी टू के जी एंड फाइनली एम एम के जी में फ्लाई ऑफ कर जाता है ये जो वन के वाला है ये फाइव मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में गया टू के वाला सिक्स मीटर पर सेकेंड से वाई डायरेक्शन में गया एम के वाला स्पीड दे रखी है इसकी हमारे को कितनी दे रखी है सिक्स पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बता रखा इस डायरेक्शन में हमारे से गया टोटल मास ऑफ़ द शेल मस्ट बी हमसे पूछा गया टोटल मास ऑफ द शेल कितना होगा तो टोटल मास ऑफ द शेल होगा एम प्लस वन प्लस टू क्लियर दैट इज़ एम प्लस थ्री के आसपास का हम आंसर निकालेंगे जिसमें से एम की वैल्यू एक्चुअली निकालना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है अब हम यहाँ पर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि इनिशियली हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम हमारा ज़ीरो हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा तो अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो लेट अस से ये जो तीसरे वाला मास है इसका मोमेंटम हम एम पी थ्री ले लेते हैं हमें नहीं पता कितना होगा बाकी दो का हमारे को पता है क्लियरली वन इंटू फाइव आई कैफ़ एंड टू इंटू सिक्स जे कैफ तो यहाँ से पी थ्री की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी माइनस फाइव आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा फाइव स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर दैट इज़ थर्टीन मोमेंटम का मतलब क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी ये होती है लेकिन हमने मॉडल्स ले लिया तो मास इंटू वेलोसिटी का मॉडल्स विच इज नथिंग बट स्पीड तो ये आ जाएगा 6.5 न से m की वैल्यू आ जाएगी थर्टीन अपॉन में 6.5 ठीक है तो ये 2 के आसपास आ जाएगी आपको तो जब हम यहाँ पर इसे निकालेंगे थर्टीन अपॉन में 6.5 पॉइंट प्लस थ्री तो लगभग लगभग 5 के जी लगभग लगभग कह रहा हूँ फाइव के तक का हमारे को आंसर देखने को मिलेगा दैट विल बी आवर करेक्ट सोल्यूशन ठीक है सो द क्वेश्चन सेज रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ

तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी थोड़ा सा हम 10 से multiply, 10 से करेंगे तो आंसर आएगा 10 to the power 6 Newton के आसपास ये हमारे पास डी का आंसर हो जाएगा Then, let us start with conservation of momentum. अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है

स्पीड है फिफ्टी किलोमीटर पर आर तो अब इसके ऊपर हमने क्या करा ध्यान से करके ढाई सौ किलो का वेट डाल दिया अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ इस वैगन की वेलोसिटी क्या होगी जब इसके ऊपर इतना वेट डाल दिया जाएगा आफ्टर तो हम ये कहेंगे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना 1000 50 है एक हज़ार इंटू फिफ्टी किलोमीटर पर आर ठीक है अब क्योंकि हमें किलोमीटर पर आर में ही आंसर निकालना है तो मैं किलोमीटर पर आर ही रखूँगा फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा वेट कितना हो गया टोटल वेट हो गया हमारे पास हज़ार प्लस ढाई सौ दैट इज़ बारह सौ पचास और अब हमें नई वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर से अगर हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नई वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी चालीस किलोमीटर पर आर की दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी देन क्या है मोशन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है बाकी तो सब बेकार की बात है मास काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम पर नहीं होता किस पे होता है लीनियर मोमेंटम पर तीसरी चीज आ जाती है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास इज रेस्ट एक बॉडी एम मास की रेस्ट पर है एक्सप्लोड इनटू थ्री पीसेस एम बाई फोर ईच आर थ्रोन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमसे कहा गया एम बाई फोर के जो मासेस है भाई वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रोन हो रहे हैं एक बॉडी तीन पीस में टूटी दो पीस एम बाय फोर के हैं ठीक है और एक पीस टू एम बाय फोर का है अब तो क्लियर है वो तीन पीसेज में टूट गई तो जो हमारे दो पीसेज हैं वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं और उन दोनों की वेलोसिटी दे रखी है थ्री मीटर पर सेकेंड थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है थ्री एंड फोर सॉरी थ्री मीटर पर सेकेंड एंड फोर मीटर पर सेकेंड थ्री एंड फोर दे रखी है द थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ जो तीसरा पीस है हमारे पास टू एम बाई फोर उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी हमसे ये पूछा गया तो देखो ये हमारा जे कैप डायरेक्शन है ये हमारा आई कैप डायरेक्शन है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है इनिशियल मोमेंटम हमारा रेस्ट पर है आर्टिकल रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम हम इन तीनों की वजह से लेंगे ठीक है तो तुम कहोगे तीनों कौन सर तो तीनों यही एम बाई फोर एम बाई फोर और टू एम बाई फोर तो मैंने मान लिया टू एम बाई फोर का मोमेंटम है पी थ्री तो पी थ्री प्लस एम बाई फोर वाले का पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू डायरेक्शन दूसरे वाले का क्या होगा एम बाई फोर इंटू उसकी वेलोसिटी इंटू उसका डायरेक्शन तो पी थ्री की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें कितनी निकल कर आएगी माइनस एम बाई फोर इंटू थ्री जे कैप और ये हो जाएगी माइनस एम बाई फोर इंटू फोर आई कैप ये चीज़ क्लियर है तो ये पी थ्री की वैल्यू आ गई हमारे पास ये इसका मोमेंटम आ गया अब हमारे को क्या क्वेश्चन में गिवन है हमारे को क्वेश्चन में गिवन है पी मतलब ये जो थर्ड वाला है थर्ड वाले का मास हमारे को पता है बस उसकी वेलोसिटी वगैरह हमारे को नहीं पता ठीक है वेलासिटी नहीं पता और अगर देखा जाए तो वालासिटी भी उसने ना हमसे मैग्नीट्यूड पूछा डायरेक्शन नहीं पूछा चलो कोई बात नहीं हम एटलीस्ट आंसर तो निकाल ही सकते हैं हम पी थ्री को क्या लिख सकते हैं एम इन टू वी ये हो जाएगा एम इन टू वी एम कितना है टू एम बाई फोर वी को वी वैक्टर मान लो एम से एम कैंसिल आउट कर दो फोर से फोर कैंसिल आउट कर दो यहाँ पर तो टू वी वैक्टर किसके बराबर बैठ रहा है माइनस थ्री जे कैप और माइनस फोर आई कैप के बराबर बैठ रहा है ये हम लिख सकते हैं तो वी कैप किसके बराबर हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू जे कैप और 2, आई के बराबर? अब अगर हम यहां पर आ, इसका लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे हम भाई ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर देंगे थ्री बाय टू का होल स्क्वायर फोर बाय टू का होल स्क्वायर तो ये लगभग लगभग आंसर कितना निकल कर आएगा ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा ढाई का टू पॉइंट फाइव का देखो टू बाहर आ जाएगा तो वन बाय टू बाहर आ गया थ्री स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर क्या होता है 16, 9 और सोलह पच्चीस पच्चीस का अंडर रूट कितना पाँच तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा तो तुम्हारे पास आंसर कितना सी देजी मास वेलोसिटी ऑफ एट मीटर पर सेकेंड तो एक स्टेशनरी बॉम्बे हमारे पास वो तीन पार्ट्स में टूट गया इट एक्सप्लोडेड इनटू थ्री पार्ट थ्री पीसेस एक पीस दो किलो का है ठीक है 2 केजी का है मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द पीस ऑफ मास 1 केजी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड तो पहला पार्ट हमारा टू के जी से टूटा आठ मीटर पर सेकेंड की भागा से, लेटस से जे कैप डायरेक्शन में तो दूसरा पार्ट एक किलो का बारह मीटर पर सेकेंड की से भागा किस डायरेक्शन में हमारा एक्स डायरेक्शन में ये चीज़ क्लियर है अब हमसे पूछा गया अगर मान लो कोई तीसरा पार्ट है जिसका मास पॉइंट फाइव है तो ये बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी तो हम फिर से वही वाला काम करेंगे कि भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पर था हमारा बॉम्ब एंड देन वो एक्सप्लोड हुआ है फाइनल मोमेंटम जिस पार्ट का हमारे को पता नहीं उसे पी थ्री ले लेंगे बाकी के जो दो पार्ट्स हैं उसका तो पता है टू इंटू एट आई जे कैप प्लस वन इंटू ट्वेल्व आई कैप तो पी थ्री की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस सिक्सटीन जे कैप माइनस ट्वेल्व आई कैप इसका हम मॉडल्स लिख देंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा मास इंटू स्पीड ऑफ़ द थर्ड पार्टिकल अब हमें थर्ड पार्टिकल की स्पीड निकाल दी और मास हमारे को कितना दे रखा है पॉइंट फाइव के जी एट नहीं पॉइंट फाइव के जी दे रखा है इज दैट क्लियर तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे को आंसर देखने को मिलेगा फोर्टी मीटर पर सेकेंड के आसपास का आंसर आ जाएगा ये चीज़ क्लियर है देन नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पर माई डियर स्टूडेंट्स अ मैन ऑफ मास सिक्सटी के जी एंड अ बॉय ऑफ मास थर्टी के जी एक आदमी है जिसका मास सिक्सटी के जी है एक बॉय है जिसका मास थर्टी के जी है दे आर स्टैंडिंग टूगेदर ऑन अ फ्रिक्शन लेस आइस सर्फेस एक फ्रिक्शन लेस आइस सरफेस पर दोनों खड़े हैं इफ़ दे पुशिज ईच अदर अपार्ट अगर वो दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं तो इफ़ द पुशिज ईच अदर अपार्ट देन द मैन मूव अवे विद द स्पीड ऑफ पॉइंट फोर तो जो आदमी है वो तो पीछे की तरफ जाता है स्पीड ऑफ पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड से रिलेटिव टू दईस आफ्टर फाइव सेकेंड एंड हमसे पूछा जा रहा है दे विल बी अवे फ्रॉम ईच अद तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आदमी है साठ किलो का एक आदमी और तीस किलो का एक बच्चा है ठीक है तो थर्टी के जी का आदमी है एंड वो सॉरी थर्टी के जी का एक बच्चा है एंड सिक्सटी के जी का हमारे पास एक आदमी दे रखा है दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं अगर दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो हमसे बोला गया कि भाई द मैन मूवज विद द स्पीड ऑफ पॉइंट फोर आदमी तो पॉइंट फोर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है ठीक है बच्चा किस स्पीड से जा रहा है कुछ नहीं पता हमारे को ये बताओ पाँच सेकेंड बाद दोनों आपस में वो कितनी दूर होंगे तो सबसे पहले तो हमें बच्चे की वेलोसिटी निकालनी होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं मोमेंटम बैलेंस करके बच्चे का मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द आदमी का मोमेंटम ये हम लिख सकते हैं

बॉय की वेलोसिटी माइनस पॉइंट एट आई कैप है मैन की वेलोसिटी पॉइंट फोर आई कैप है पॉजिटिव में दैट इज 1.2 पॉइंट आई कैप माइनस क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे रिलेटिव डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा दैट इज हमें यहाँ पर डायरेक्शन uh, से तो कोई मतलब है नहीं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे विच इज़ 1.2 और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है फाइव दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.0 मीटर की सेपरेशन का आंसर हमारे पास आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर सी देन हमसे क्या कहा जा रहा है अब फाइव के जी स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू थ्री पार्ट ऑफ मास रेशो वन तो एक पाँच किलो का बॉम्ब है हाँ बिल्कुल सही एक पाँच किलो का बॉम्ब है वो तीन पार्ट में टूट गया जिसकी रेशो दे रखी है पार्ट हैविंग सेम मूव परपेंडिकुलर टू इच अदर जिन पार्ट का मास बिल्कुल सेम है वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और जो तीसरा पार्ट है ठीक है पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव परपेंडिकुलर टू द अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ थर्टी नाइन तो जिसका मास सेम है वो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और थर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड से मूव करते हैं हमें ये बताना है कि जो बड़े वाला पार्ट है बड़े वाला पार्ट उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये देखो ये जो फ्रैक्शन दे रखा है वन रेशो वन रेशो थ्री हमें हर किसी का मास निकालना है लेट से जो हमारे पास इनिशियल मास है वो एम है भले ही वो फाइव दे रखा है लेकिन हम उसे एम मानकर चलेंगे तो अगर मुझे पहले पार्ट का मास निकालना है तो वो कितना हो जाएगा एम अपॉन में वन प्लस वन प्लस थ्री ठीक है वन प्लस वन प्लस थ्री इंटू वन कभी भी ऐसा फ्रैक्शन दे दिया जाए और तुम्हें किसी एक का पोर्शन पता करना है तो एक काम करना जो ये फ्रैक्शन दिया जाता है उसे ऐड कर दो डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई कर दो उसके नंबर से जैसे मैं पहले का आंसर निकाल रहा हूँ तो ये पहले का जो नंबर है वो है वन पहले का नंबर क्या है वन है तो एम अपॉन में वन प्लस वन प्लस थ्री और इसका फ्रैक्शन क्या है वन तो यहाँ पर ये पहले का मास निकल कर आ जाएगा एम अपॉन में तीन चार पाँच ऐसे ही दूसरे का भी मास बाई फाइव आ जाएगा तीसरे का मास क्या आ जाएगा एम अपॉन में फाइव इंटू थ्री तो ये एम थ्री हो गया ये एम टू हो गया ये एम वन हो गया क्लियर तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ एम बाई फाइव एम बाई फाइव एंड थ्री एम बाई फाइव अब यहाँ पर मोमेंटम बैलेंस करेंगे इनिशियली मोमेंटम जीरो है देन फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा मान लो ये थर्ड पार्ट है ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है तो मोमेंटम ऑफ वन टू एंड थ्री ठीक है शुड बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे मोमेंटम ऑफ थ्री विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मोमेंटम वन प्लस मोमेंटम टू अब मोमेंटम वन और मोमेंटम टू हम यहाँ पर लिख देंगे भाई मोमेंटम वन पहले वाले पार्टिकल का किस डायरेक्शन में जे में दूसरे वाले पार्टिकल के किस डायरेक्शन में आई में तो अगर हम यहाँ लिखे एम बाई फाइव इंटू थर्टी आई कैप प्लस एम बाई फाइव इंटू थर्टी नाइन जे कैप इज दैट क्लियर दैट इज द मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल अगर इसका तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोमेंटम इसका मास तो हम निकाल ही चुके हैं ना कितना है थ्री एम बाई फाइव तो थ्री एम बाई फाइव है ना वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर मान लो ऑफ थर्ड पार्टिकल अब जो कट सकता है वो आप काट दीजिए यहाँ पर एम से एम एम काट दीजिए फाइव से फाइव 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 काट दीजिए तो वी थ्री वैक्टर आपके पास निकल कर आ जाएगा माइनस ऑफ वन बाई थ्री थर्टी नाइन आई कैप प्लस थर्टी नाइन हमारे पास जे कैप निकल कर आ जाएगा जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है ठीक है absolute, तो ये कितना आ जाएगा थर्टी नाइन स्क्वायर थर्टी नाइन स्क्वायर दैट इज टू इन थर्टी नाइन स्क्वायर वन अपॉन थ्री कॉमन बाहर आ जाएगा ठीक है तो ये कितना बच जाएगा रूट टू मल्टीप्लाइड बाई थर्टी नाइन अपॉन में थ्री

the ball hits the ground at a distance of 20 meter and the bullet hits the ground at a distance of 100 meter from the foot of the post the initial velocity v of the bullet is क्या रहा है हमारे पास एक बॉल है जिसका मास जीरो पॉइंट टू के है वो रेस्ट पर है तो ये पर्टिकुलर एक बॉल थी जीरो पॉइंट टू के की जो रेस्ट पर थी ये कितने हाइट पर है ये पाँच मीटर की हाइट पर ऊपर बैठी हुई है एक बुलेट है जिसका खुद का मास जीरो पॉइंट जीरो वन के है वो आती है इससे टकराती है ठीक है ये वेलोसिटी इस बुलेट की वेलोसिटी हमारे को दे रखी है वी मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोलिजन होता है कोलिजन होने के बाद देखो होता क्या है जो बॉल है वो आगे की तरफ गिर जाती है बुलेट अपने रास्ते आगे की तरफ गिर जाती है ऐसा नहीं है कि कोलिजन के बाद वो चिपक गए भाई दोनों अलग अलग, अलग जगह गिरे इज दैट क्लियर जो बॉल है गई मेरी बॉल ये रही द बॉल हिट्स द ग्राउंड जो मेरी बॉल है वो कहाँ पर हिट कर रही है ट्वेंटी मीटर अवे हिट कर रही है और जो मेरी बुलेट है वो कहाँ हिट कर रही है हंड्रेड मीटर हिट, अवे हिट कर रही है तो हमसे ये पूछा गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बुलेट की वो हमारे पास कितनी होगी चलो हम एक काम करते हैं यहाँ पर से जो हमारे को रेंज दे रखी है इन दोनों चीज़ों की उससे हम इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और तुम्हारा मोमेंटम दोनों को लेकर आ रहा है तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें फॉर बॉल बॉल की बात करेंगे उसने जो रेंज कवर करी है कितनी कवर करी है ट्वेंटी मीटर रेंज कवर करी है उसका जो टाइम है फ्लाइट का वो कितना है टू एच बाय जी के बराबर है मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ टू एच छप्पन में जी दैट इज़ टू सेकेंड के बराबर तो रेंज को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी मीटर दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो वेलोसिटी ऑफ बॉल हमारे पास टेन आ जाएगी अब ऐसे ही करके तुम एक काम करो फॉर बुलेट uh, लिखो बुलेट रेंज की वैल्यू है हंड्रेड बुलेट की uh, जो वेलोसिटी है उसे हम मान लो यू एक्स से दिखा देते हैं यू एक्स बुलेट की वेलोसिटी है याद रखना और जो टाइम है उसका भी टू सेकेंड ही लगेगा क्योंकि दोनों सेम हाइट को कवर कर रहे हैं ठीक है शायद मैंने हाइट गलत ले ली देखो मैंने हाइट गलत ले ली मैंने गलती से बीस मीटर मान लिया बीस मीटर नहीं है ठीक है बीस मीटर नहीं है पाँच मीटर है ये इस इसकी वजह से हुआ है ये ये जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना इस डेटा की वजह से हुआ है तो ध्यान रखना है डेटा का वो एकदम से मुझे ध्यान आ गया तो मैं वाइट कलर का यूज़ करूंगा तो यहाँ फाइव लिखना दो पंजे दस दैट इज टाइम विल बी वन सेकेंड तो ये हट जाएगा यहाँ पर से तो ये वन सेकेंड आ जाएगा तो बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी एक्स डायरेक्शन की ट्वेंटी क्लियर देन सॉरी बॉल की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी ट्वेंटी आ जाएगी अब हमें निकालनी किसकी है बुलेट की निकालनी है बुलेट के लिए भी सेम टाइम फॉलो हो रहा है तो जो बुलेट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी हंड्रेड क्लियर तो मेरा लॉजिक समझो लॉजिक ये है हमें रेंज गिवन है हम उससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं ठीक है जिस बच्चे को पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है पिछले चैप्टर से वो तो निकाल सकता है ये क्वेश्चन उसके लिए ईजी है जिसे नहीं पता पिछला लेक्चर जाकर देखे तो यहाँ पर रेंज का डायरेक्ट फार्मूला हमारे को लगा देना है रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मोला टू एच बाई जी लगा देना और रेंज तुम्हारे को गिवन है उससे यू निकल कर आ जाएगा तो बुलेट और बॉल दोनों के यू हमारे पास निकल कर आ गए अब जब दोनों के यू निकल कर आ गए, कर आ गए मैं मोमेंटम बैलेंस कर सकता हूँ मुझे पता है बुलेट जिसका मास जीरो पॉइंट जीरो वन के जी है वो वी वेलोसिटी से चली आई टकराई किससे टकराई हमारी बॉल से टकराई तो बॉल इनिशियली रेस्ट पर थी तो इनिशियल मोमेंटम बॉल का कितना हो जाएगा जीरो फ़ाइनल मोमेंटम टकराने के बाद बॉल का कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू जो कि उसका मास है इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो वन और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास हंड्रेड यहाँ पर टकराने के बाद ऐसा मैंने नहीं कहा ऐसा इस डेटा ने कहा है तो जब हम यहाँ पर वैल्यू uh, वी की हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू वी की हमारे पास कितनी आ जाएगी फाइव हंड्रेड के आसपास पास यहाँ पर हमारे को वैल्यू देखने को मिलेगी दो दो चार और एक पाँच हाँ तो फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी देन हमसे क्या पूछा जा रहा है अ शेल ऑफ मास जी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड वेन इट ब्लास्ट एंड फॉर्म टू पार्ट नाइन के जी वन के जी रिस्पेक्टिवली इफ द फर्स्ट मास इज स्टेशनरी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट इज दस मतलब जब से हम मम्मी फोड़े जा रहे हैं है ना धुआं धुआं कर दिया है पूरा चैप्टर हम लोगों ने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर चलो रॉकेट भी उड़ा दिया गया हो बस बम फोड़ने दो कर दो मेरी भी बुक में देख लो छोड़ा ही नहीं मेरी बुक में भी बम ही रखने हैं फोड़ दो इसे भी ठीक है देख रहे हो तुम अरे यार डिसेंट सा कुछ हो जाता बम 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 जब से चल रहा है यार हद हो गई

उस वो उसकी लैंग्वेज इस तरफ चल रही है तो ये पहले आया ना और वर्ड आ गया रिस्पेक्टिवली तो मतलब ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा और ये मूव कर गया ठीक है ये मूव कर गया मगर तो इसकी वेलोसिटी हमारे को नहीं दे रखी कि भाई ये किस वेलोसिटी से हमारे पास मूव करा तो हम क्या करेंगे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या है टेन इंटू टेन भाई ये जो मास था इनिशियल मास बम का वो टेन मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था फाइनली

ये एक आइस ब्लॉक को हिट करती है आइस ब्लॉक को हिट करने के बाद उसी के अंदर एम्बेड हो जाती है है ना अब हमें ये बताना है नहीं एम्बेड भी नहीं हो जाती ड्रॉप्स डेड ड्रॉप्स डेड का मतलब जानते हो क्या होता है ये आई इससे टकराई टकराने के बाद अपना सारा मोमेंटम इसके अंदर ट्रांसफर करा और खुद आकर नीचे मर गई मतलब इससे जुड़ी नहीं है वो बस ऐसे हुआ कुछ आई टकराई नीचे चली गई अब ये चीज़ आगे चली जाएगी तो हमसे कहा गया कि ये बताओ आइस की वेलोसिटी क्या होगी तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है दस ग्राम की बुलेट है वेलोसिटी इक्वल टू इसका मोमेंटम बुलेट का मोमेंटम आफ्टर टकराना कितना हो जाएगा जीरो आइस आइस का मास हमारे को कितना दे रखा है पाँच किलो इसकी वेलोसिटी हमारे को निकालनी है तो जब आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो पाँच तीस आपके पास आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर पर नहीं सिक्स सेंटीमीटर कहाँ आएगा मीटर में निकाल रहे ना हम आंसर तो सिक्स मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा ये सी यहाँ पर नहीं होगा ठीक है गलती से मिस प्रिंट हो गया होगा खैर हम आगे आते हैं छोटी सी बात थी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं भाई सब कुछ सही तो है पहले देख कर ही जाऊंगा एक दो ये गया यहाँ पर से ये गया यहाँ पर से ठीक है एक दो तीन एक दो तीन तो ये कितना बचा थ्री बचा अब हाँ यार सिक्सटी सेंटीमीटर में आएगा ये सेंटीमीटर में ही आएगा मैं तभी कहूँ मैंने यार ऑप्शन इतने भी गलत नहीं हो सकते ठीक है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी थ्री या पॉइंट में फाइव विच इस पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट सिक्स इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा सिक्सटी सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है मीटर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना तो सही तो आ रहा है हमारा आंसर सिक्सटी सेंटीमीटर पर सेकेंड क्लियर है इन दिस क्वेश्चन हमारे को दो स्टेटमेंट दे रखी है पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दी लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज़ जीरो एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कॉर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो देन वन डज नॉट एम्प्लॉय टू इम्प्लाइज टू एंड टू डज नॉट एम्प्लॉय वन वन डज एम्प्लॉय टू बट टू डज नॉट एम्प्लॉय वन कहने का मतलब है पहली स्टेटमेंट दूसरे को डिफेंड कर रही है दूसरे को बता रही है दूसरी स्टेटमेंट पहले को बता रही है दोनों एक दूसरे को बता रही है या दोनों एक दूसरे को नहीं बता रही ये हमसे पूछा जा रहा है हम यहाँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें चार पार्टिकल्स है हर एक पार्टिकल किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रहा है यहाँ ध्यान से देखना ये पार्टिकल नंबर वन है पार्टिकल नंबर टू है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो पार्टिकल नंबर इसे पार्टिकल नंबर थ्री दे दीजिए और इसे पार्टिकल नंबर फोर नाम दे दीजिए अगर तुम देखोगे टोटल लीनियर मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम तो ये वाला पार्टिकल हमारा आगे की तरफ जा रहा है ये वाला पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है इन दोनों का लीनियर मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है इन दोनों का लीनियर मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा जीरो लेकिन अगर हम ये मानकर चले कि चलो हर एक पार्टिकल का मास एम है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो कार्डिक एनर्जी होगी वो क्या होगी फोर टाइम्स ऑफ वन बाय टू एम वी स्क्वायर क्योंकि कार्डिक एनर्जी वी पर डिपेंड करती है स्पीड पर डिपेंड करती है ना कि वेलोसिटी पर तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि इस केस में मोमेंटम तो जीरो हो गया लेकिन एनर्जी जीरो नहीं हुई अब एक केस लेते हैं जब इन सब पार्टिकल की एनर्जी एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या हो जाता है मोमेंटम जीरो तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो मोमेंटम भी हमारा क्या है जीरो है इज दैट क्लियर तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो ज़ीरो हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि कनाडी की अनर्जी ज़ीरो होगी लेकिन कनाडी की अनर्जी अगर ज़ीरो हो गई तो मोमेंटम जरूर जीरो हो जाएगा तो वन डज़ नॉट एम्प्लॉय टू एंड टू डज़ नाट्लीम एम्प्लॉय वन ये पहला गलत हो गया वन इम्प्लाइज़ टू बट टू डज़ नॉट इम्प्लायज़ वन ये भी गलत हो गया वन डज़ नॉट इम्प्लॉय टू ये सही है टू इम्प्लायज़ वन ये हमारा सही हो गया तो दिस विल बी द करेक्ट सोल्यूशन हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक राइफ़ल है बीस किलो की ठीक है तो पहले हम एक राइफ़ल बना लेते हैं मैं बताता हूँ राइफ़ल कैसे बनती है तुम लोग कहोगे वरना अरे सर राइफ़ल के नाम पर कुछ भी बना देते हो तो आज तुम्हारे सर बिल्कुल एक तगड़ी वाली राइफ़ल बनाएंगे बिल्कुल तुम्हें याद आएगा कि भाई हाँ ऐसी तो राइफ़ल हमने एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड से भी नहीं देखी होगी ठीक है आर टी एक्स फोर्टी नाइन भी मेरे ग्राफिक से पीछे रह जाएगा आज प्ले स्टेशन फ़ाइव के ग्राफिक्स आज पीछे हो जाएंगे आज तुमने अभी तक एट के में गेम खेला है ये सिक्सटीन के की राइफ़ल बना रहा हूँ मैं ठीक है के गेमिंग थी राइफल खैर अपार्ट फ्रॉम द जोक्स ये राइफल है अब इस राइफल का खुद का मास ट्वेंटी के जी है ये राइफल चार बुलेट पर सेकेंड निकालती है हर एक बुलेट का मास कितना दे रखा है थर्टी फाइव माइनस थ्री फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी है हर एक बुलेट की फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड हमसे क्या कहा गया वट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द राइफल सो दैट इट बैकवर्ड वाइल फायरिंग द बुलेट कितनी फोर्स में इस राइफल पर लगाऊँ सच डेट ये पीछे की तरफ मूव ना करे अब हुआ क्या मैंने ये बोला कि इनिशियली मेरा मोमेंटम जीरो है फाइनली मान लेते हैं मेरी राइफल भी आगे की तरफ मूव करी और मेरी बुलेट्स भी आगे की तरफ मूव करी तो एम वी प्लस एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट अब एक बुलेट नहीं है एक सेकेंड के अंदर चार बुलेट निकल रही हैं तो हम यह चार से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अगर हम मोमेंटम चेंज देख रहे हैं तो यहाँ एक सेकंड का मोमेंटम हम देख रहे हैं तो एक सेकंड के अंदर जो मोमेंटम यहाँ पर निकल कर आया राइफल का वो कितना निकल कर आया माइनस फोर एम वी बी ये चीज़ क्लियर है अब अगर हम फोर्स देखें तो वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टोटल टाइम हमें इस राइफल को पकड़ कर रखना है इज दैट क्लियर हमें इस राइफल को पकड़ कर रखना है राइफल पीछे की तरफ जाएगी भैया नेगेटिव क्यों आया क्योंकि राइफल पीछे की तरफ जाएगी तो मुझे फोर्स आगे की तरफ लगानी है तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास आया माइनस फोर एम वी बी कितने टाइम के लिए एक सेकेंड के लिए तो एक सेकेंड के अंतराल के लिए मैं ये देख रहा हूँ तो माइनस फोर मास है थर्टी फाइव टू दावर माइनस थ्री वेलोसिटी बी कितनी है फोर हंड्रेड मीटर पर सेकेंड अपॉन में वन सेकेंड आंसर कितना आ जाएगा -56 न्यूटन ठीक है मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, या अलग जगह लिख देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम लोग का -56 न्यूटन तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है एक्सप्लोजन ब्लोस अ रॉक इनटू थ्री पार्ट्स टू पार्ट गो एट अ राइट एंगल टू ईच अदर दीस टू पार्ट आर 1 केजी फर्स्ट पार्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड 2 केजी पार्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड तो टू के जी पार्ट एट मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है वन के जी पार्ट हमारा कितने से मूव कर रहा है ट्वेल्व मीटर ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है हमसे कहा गया इफ थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ अगर एक थर्ड पार्ट है उसका मास एक्स है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है फोर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है तो हमें इस मास एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वही हम करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम क्या होगा पी वन पी टू पी थ्री ये पी वन ये पी टू और ये इसका पी थ्री तो पी थ्री की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितनी निकल कर आएगी माइनस पी वन वैक्टर लगा देता हूँ माइनस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री क्लियर तो ये माइनस ओ सॉरी पी थ्री तो आएगा ही नहीं ना पी थ्री की तो वैल्यू निकाल रहे हैं पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ट्वेल्व जे कैप पी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो अट्ठे सोलह आई कैप तो ये पी थ्री की वैल्यू आ गई वैक्टर ली अब मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा दोनों का इसका आंसर क्या होगा मास इनटू स्पीड इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर तो यहाँ पर जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा फाइव के जी आ जाएगा तो ये आंसर हमारे पास कितना हो गया फाइव के जी हो गया ठीक है हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है दो न्यूक्लियर पार्ट्स में टूट गया वो जिसकी रेशो जो वेलोसिटी है वो रेशो दे रखी है टू रेशो वन तो एक न्यूक्लियस था दो पार्ट में टूटा हमारा पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर टू तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशो दे रखी है वी वन अपॉन में वी टू कितनी दे रखी है टू रेशो वन दे रखी है रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज पूछा गया रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइज इसका क्या मतलब हुआ ये रेडियस के बारे में पूछ रहा है हमसे हम जानते हैं यहाँ मोमेंटम बैलेंस होगा तो जीरो टू एम वन वी प्लस एम टू वी मानते हो तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे अगर इसका मास एम वन है इसका मास एम टू है रिस्पेक्टिविटी वी वन और वी टू हो गई तो मैं लिख सकता हूँ एम वन अपॉन में एम टू विल बीवल टू वी टू अपॉन में वी वन दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन में टू यहाँ पर हम हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर वी वन मतलब एम वन वाला पार्ट आगे की तरफ जाएगा वी वन से तो एम टू वाला पार्ट पीछे की तरफ जाएगा ये तो बात होती है ये हमें पता है तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखना आप मत भूलना जैसे मान लो इससे मैंने पॉजिटिव लिखा तो याद रखना ये चीज़ नेगेटिव होगी तो यहाँ से एम वन बाई एम टू की रेशो आ रही है वन बाई टू मास का मतलब क्या होता है डेंसिटी वॉल्यूम अब जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब क्योंकि अगर हम किसी भी न्यूक्लियस को लेते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं वो सॉलिड हार्ड स्पेयर है टूटने के बाद भी वो सॉलिड हार्ड स्पेयर ही रहता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मास है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस वन अपॉन में रेडियस टू का होल क्यूब तो रेडियस वन अपॉन में रेडियस टू कितना आ जाएगा वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन थ्री देट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन क्लियर देन

समझ रहे हो ना आप हो क्या रहा है अपने, अपने, जो हमारे पास टैंक होता है टैंक क्या फेंकेगा बड़ी सी बुलेट फेंकेगा ना वो बुलेट नहीं फेंक रहा, वो बॉय को रहा. है ठीक है तो हमने फेंके प्रोजेक्टाइल होनी चाहिए एंड में दुश्मन को खत्म करना है चलो ठीक है मेन चीज पर आते हैं तो अ बॉय ऑफ मास जीरो पॉइंट टू फाइव के जी अरे पॉसिबल कैसे है कि एक बॉय का मास जीरो पॉइंट टू फाइव के जी है ना हम भी कितने मज़ेदार मजेदार क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई क्वेश्चन को पढ़ते ही तुम्हारे को आनंद आ जाएगी यार ये क्या क्वेश्चन बना दिया <laughs> चलो कोई टेंशन नहीं सो देर इज अ बॉय ऑफ मास टू पॉइंट फाइव के जी विच इज बिंग प्रोजेक्टेड बॉय की जगह हम बुलेट ले लेते हैं एक बड़ी वाली बुलेट तो so, एक बुलेट जिसका मास जीरो पॉइंट टू फाइव के जी है वो हमने प्रोजेक्ट करा विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो जैसी बुलेट प्रोजेक्ट हुई उसकी वेलोसिटी है हंड्रेड मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टैंक ऑफ मास हंड्रेड के जी ये जो टैंक है हमारे पास ठीक है इसका मास है हंड्रेड के जी मैं यहाँ टैंक बना देता हूँ दो आई नो दैट कि इतनी ज्यादा आर्टिस्टिक गिरी अब मैं नहीं दिखा पाऊंगा सो दिस इज अ टैंक इसका मास है हंड्रेड के जी वट इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द टैंक टैंक की रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी देखो शूट करने से पहले बुलेट और टैंक दोनों का मोमेंटम ज़ीरो है शूट करने के बाद बुलेट आगे की तरफ जा रही है ज़ीरो पॉइंट टू फाइव इंटू वलॉसिटी है हंड्रेड और टैंक पीछे की तरफ जा रहा है टैंक का मास कितना है हंड्रेड और उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो माइनस वी और इसे हमने कहा रिकॉइल वेलोसिटी तो रिकॉइल वेलोसिटी हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी जीरो पॉइंट टू फाइव तो आंसर कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव मीटर पर सेकंड क्लियर Then, आगे बढ़ते हैं हम अस्टेशनरी बॉडी ऑफ मास थ्री के जी एक्सप्लोर डायरेक्शन एंड फोर जे कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अब यहां पर जो दो पीसेस फ्लाई कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी हमारे को दे रखी है इफ द एक्सप्लोजन अकर इन टू दावर माइनस फोर सेकेंड अगर ये जो एक्सप्लोजन है ये इतने समय के अंदर हुआ तो हमसे पूछा जा रहा है द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड पार्टिकल विल बी जो एवरेज फोर्स होगी थर्ड पार्टिकल पर वो कितनी होगी भाई देखो पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ एवरेज फोर्स ऑन द थर्ड पार्टिकल विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल अपॉन में टोटल टाइम जो हमारे को दे रखा है अब एक स्टेशनरी पार्टिकल तीन किलो का तीन इक्वल पीसेस में गया तो इसका भी एक किलो इसका भी एक किलो और इसका भी क्या होगा एक किलो हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल निकालना है फाइनल मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल विल बी नेगेटिव ऑफ़ इनिशियल मोमेंटम वो सॉरी नेगेटिव ऑफ़ फाइनल मोमेंटम ऑफ द अदर टू पार्टिकल क्योंकि हम जब से मोमेंटम ही बैलेंस करे जा रहे हैं भाई तुम लिखोगे पी वन पी टू पी थ्री फाइनल मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल वन टू एंड थ्री ठीक है दैट शुड बी इक्वल टू द क्यूमलेटिव इनिशियल मोमेंटम ऑफ द होल थिंग जीरो तो पी थ्री की वैल्यू कितनी निकल रही है माइनस पी वन प्लस पी टू तो ये कितनी आ रही है माइनस वन इंटू फोर जे कैप एंड थ्री इंटू वन आई कैप तो थ्री आई कैप और एक चार चार जे कैप ठीक है पी वन पी टू की वैल्यू निकाल लेना जैसे पी वन की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली कितनी होगी थ्री इंटू वन मास इन टू और डायरेक्शन क्या है आई कैप तो थ्री आई कैप ऐसे यहाँ पर कितनी होगी फोर इंटू वन फोर जे कैप क्लियर तो ये मोमेंटम थ्री आ गया अब हमसे क्या कहा जा रहा है ये फ़ाइनल मोमेंटम है थर्ड पार्टिकल का तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ एफ एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई फ़ाइनल मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल विच इज़ जीरो अपॉन में टाइम टी टाइम कितना है हमारे पास टेन टू दी पावर माइनस फोर तो अगर मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगा तो कितना आएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और टेन टू दी पावर माइनस फोर ऊपर चला जाएगा टेन टू दी पावर फोर बन जाएगा तो ये टोटल आंसर हमारे पास आ गया दैट इज़ ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी बस ऐसे करके हमारे को कैलकुलेट कर लेना था ठीक है नाउ वी विल स्टार्ट विद इकलीम ऑफ पार्टिकल्स माय डियर स्टूडेंट्स हमसे क्या कहा जा रहा है अ बॉडी वेट एट ग्राम एक बॉडी है आठ ग्राम की वेन प्लेस इन वन पैन एंड एटीन ग्राम वेन प्लेसड इन एन अदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना एक बॉडी है हमारे पास एक पैन सिस्टम है पैन सिस्टम पैन मतलब अपना तराजू अगर मैं एक पैन में इसे रखता हूँ तो ये आठ ग्राम महसूस होती है अगर मैं दूसरे पैन में रखता हूँ तो ये अट्ठारह ग्राम मुझे महसूस होती है इज़ दैट क्लियर ठीक है सो माई डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक तराजू है ये तराजू अनिवन है मतलब यहां से यहाँ तक की लेंथ वाई है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एक्स है अगर तुमने वेट यहाँ पर रखा तो तुम्हारे को देखने को मिलेगा कि तुम्हें काउंटर वेट एट जी चढ़ाना पड़ेगा देखो अनिवन तराजू है तो कभी भी एक्चुअल आंसर नहीं देगा अगर तुमने यहाँ पर डब्लू वेट रखा तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये डब्लू वेट नहीं है ये कुछ और वेट है तो हमने डब्लू वेट रखा तो हमें दिखा कि भाई ये वेट का आंसर दे रहा है एट जी इज दैट क्लियर हमें क्योंकि पता है कि भाई जो तराजू होता है जितना हम यहाँ रखते हैं माल उतना ही माल यहाँ पर हमें रखना होता है तो जैसे अगर मान लो एक किलो तुमने यहाँ पर रखा तो एक किलो का बट्टा तुम्हें यहाँ चढ़ाना पड़ता है जब तुम जाते हो जाते होंगे ऑब्वियसली यार तुमने कभी धनिया पुदीना लेने नहीं गए क्या है घर में से मम्मी कहती है ना कि जा सब्ज़ी लेकर आ तुम नहीं गए तो भाई मैं तो गया हूँ सब्जी वाला जो तोलता है सब्जी उसे मैंने तो देखा है ठीक है मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ क्यों एक ही बार मैंने मना करा था मम्मी मैं सब्ज़ी नहीं लेकर आ रहा एक चप्पल पड़ी अगले दिन से सब्जी ग्रॉसरी सारे काम मैं ही करने लग गया ठीक है तो मेन चीज़ क्या हो जाती है मेन चीज़ यह हो जाती है कि जब मम्मी सब्जी कहे तो सब्जी लाना है ये सवाल बाद में भी हो सकता है वरना फ्लाइंग चप्पल पड़ेगी अब तो हमने यहाँ पर वेट डाला डब्लू तो हमने जो काउंटर वेट चढ़ाया वो लगा एट जी का जब हमने इन दोनों की जगह स्विच कर दी हमने इसे यहाँ रख दिया तो यहाँ पर जो काउंटर वेट लगा वो लगा एट जी का एटीन जी का हमने कहा कि भाई ये W की वैल्यू क्या होगी तो हम जानते हैं कि भाई एक चीज़ होती है टॉर्क तो हमें यहाँ पर टॉर्क का इक्लीबीरियम लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बीम मेंटेन्ड है कहने का मतलब है इसकी जो लेवल है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहने वाली है तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं इस चीज़ को मैंने लिखा एट जी इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई ये मेरी पहली इक्वेशन बनी दूसरी इक्वेशन बनी मेरी डब्ल्यू इंटू एक्स और एट जी एटीन जी एटीन जी इंटू वाई ये चीज़ क्लियर है इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया एक्स से एक्स कट गया वाई से वाई कट गया डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई एट इंटू एटीन तो डब्ल्यू की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एट इंटू एटीन ठीक है तो ये कितना हो जाएगा दो आठ बारह चौसठ अठ चौदह हाँ एक सौ चवालीस बनेगा अंदर तो वो बारह का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा ट्वेल्व जी अच्छा हाँ मैं जी लिखना भूल गया इसका जी और इसका जी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जी स्क्वायर बन जाएंगे मैं जी स्क्वायर को लिखना भूल गया तो स्क्वायर रूट के बाहर कितना आ जाएगा ट्वेल्व जी तो आंसर मस्ट भी ट्वेल्व जी क्लियर तो माई डियर स्टूडेंट्स ये हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन क्या कह रहा है देर इज अ मास ऑफ सिक्स के जी विच इज सस्पेंडेड बाई अ रोप ऑफ लेंथ टू मीटर फ्रॉम द सीलिंग a फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन इज अप्लाइड इन दॉरिजोंटल डायरेक्शन एट द मिड पॉइंट of the rope the angle made by the rope with the vertical in equilibrium position will be मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ तो ये हमारे पास सीलिंग है सीलिंग पे हमने रोप को पकड़ कर रखा हुआ है ये हमारा मास है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई तो हमें ये देखना है फ्रॉम द वर्टिकल ये जो एंगल बना रही है मेरी रोप ये एंगल क्या बना रही है क्लियर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मैं जानता हूँ ये सिनेरियो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा तो ये हमारी रोप थी इस मिड पॉइंट पर हमने पचास न्यूटन की फोर्स लगाई तो नई रोप की पोजिशन ये हो गई मैं ऐसे किसी और व्हाइट कलर से दिखा देता हूँ ये नई रोप की पोजिशन हो गई देन ये हमारे पास वेट आ गया सिक्स के जी है तो सिक्सटी न्यूटन का वेट होगा ये फिफ्टी की फोर्स इस तरफ लग रही है हमें ये एंगल निकालना है वी विल यूज थ्योरम पहले तो हमारे पास है ये ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा ठीक है सॉरी हाँ ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा ये एंगल कितना होगा नाइन्टी डिग्री ये एंगल कितना होगा वन एट्टी माइनस थीटा तो अगर हम यहाँ लेमिस थ्योरम लगाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर फोर्स लग रही है फिफ्टी न्यूटन नीचे लग रही है सिक्सटी न्यूटन इधर की टेंशन अननोन है हमें उस टेंशन से लेना देना भी नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हो जाएगी वन एट्टी माइनस थीटा ये हो जाएगी नाइन्टी डिग्री हम क्या लिखेंगे सिक्सटी अपॉन में साइन नाइनटी प्लस थीटा फिफ्टी अपॉन में साइन वन एट्टी माइनस थीटा तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी अपॉन में कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू फिफ्टी अपॉन में साइन थीटा तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास फाइव बाई सिक्स आ जाएगी दैट इज थीटा की वैल्यू हमारे पास फोर्टी डिग्री आ जाएगी विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन सो माई डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्टील वायर है विच कैन विद इज चैंड लोड ऑफ टू नाइन फोर जीरो न्यूटन अ लोड ऑफ़ वन फिफ्टी के जी इज़ सस्पेंडेड फ्राम इट फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द वायर कैन बी डिस फ्रॉम द मेन पोजिशन सो दैट द वायर डज नॉट ब्रेक हमसे कहा जा रहा है कि एक वायर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सकता है टू नाइन फोर ज़ीरो न्यूटन अब हमने क्या करा हमने एक एक डेढ़ सौ किलो का मास यहाँ पर टंगा दिया तो मैं इस डेढ़ सौ किलो के मास को किस एंगल तक ले जा सकता हूँ सच देट ये वायर टूटे ना तो यहाँ पर हम बनाएंगे एफ बी डी ये हो जाएगा एम जी ये हो जाएगी टेंशन ठीक है ये एंगल है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल मैं ये कह सकता हूँ टेंशन कॉस्ट थीटा की वैल्यू यहाँ पर एम जी के बराबर होगी तो टेंशन कॉस्ट थीटा की वैल्यू कितनी एम जी के बराबर तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई एम जी अपॉन में टेंशन मुझे मैक्सिमम एंगल निकालना है मुझे ये तो देखना है भाई कितने एंगल तक मैं ले जा सकता हूँ तो उसकी हद कौन डिफाइन करेगा उसकी हद ये टेंशन डिफाइन करेगी तो मैं मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकता हूँ टू नाइन फोर जीरो मास कितना है डेढ़ सौ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है टेन तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस् थीटा का एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कॉस् थीटा दैट विल बी इक्वल टू कितना है वन फिफ्टी फिफ्टीन हंड्रेड हाँ ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड और तो कुछ नहीं है यहाँ पर नहीं फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन में टू नाइन फोर जीरो विच इज वन बाई टू के आसपास आएगा तो थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री के आसपास आ जाएगी विच इज योर ऑप्शन नंबर बी क्लियर एक और बहुत ही प्यारा और आप ये कह सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है? कि फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नेट मतलब जैसे कपड़ा नहीं होता यार अपने कपड़े को हम ऐसे खींच देते हैं तो एक नेट है हमने नेट को ऐसे खींच दिया ठीक है अब हमसे क्या बोला गया कि इट इज स्ट्रेच द सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच फोर्स ऑफ टेन न्यूटन ये जो ए बी है इस पर हमने फोर्स लगा रखी है टेन न्यूटन और हमने इसे खींच रखा है ऐसे पकड़कर हम खींच रहे हैं जैसे कपड़े को खींचते हैं टेंशन इज द सेक्शन बी सी विल बी इस बी सी के अंदर क्या टेंशन होगी और बी एफ के अंदर क्या टेंशन होगी तो लेमिस थ्योरम लगा देंगे थी और बी एफ के अंदर की टेंशन बी एफ है और सी बी के अंदर की टेंशन सी बी है बस हमारे को यहाँ पर एंगल देखने हैं मुझे पता है ये एक सौ बीस है ये भी कितना एंगल है मेरे पास एक सौ बीस तो टोटल एंगल्स का सम कितना होता है तीन सौ साठ तीन सौ साठ में से हमने क्या घटा दिया दो सौ चालीस घटा दिया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा एक सौ बीस तो ये भी एक सौ बीस हो गया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ सी बी अपॉन में साइन

ओके okay. देखो हमने रिजल्टेंट करा था वेक्टर्स के अंदर रिजल्टेंट देखिए कि नहीं दो फोर्सेस का कोई तीसरा फोर्स अगर रिजल्टेंट बन जाए जैसे हम ऑप्शन नंबर वन को चेक करते हैं थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का अंडर रूट अगर फाइव के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक लिवीरियम में है क्योंकि थ्री और फोर को बैलेंस करने के लिए फ़ाइव होगा तो ये कितना हो जाएगा तीन तीनों चार चौक सोलह पच्चीस पच्चीस का अंडर रूट पाँच तो फाइव इक्वल टू फाइव ये वाला आंसर आ गया अब इसको चेक कर लो कोई भी दो चूज़ कर लो अब देखो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे अब जैसे किसी बच्चे ने मान लो चार और पाँच न्यूटन को लिया तो वो तीन न्यूटन कभी ला नहीं पाएगा बात समझ रहे हो किसी ने चार और पाँच को ले लिया तो वो क्या तीन ला पाएगा यहाँ कॉम्बिनेशन बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब तुम जैसे मान लो हम लास्ट वाला चूज़ कर लेते हैं वन थ्री और फाइव न्यूटन वन थ्री और फाइव न्यूटन इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो वन और फाइव का कॉम्बिनेशन ले लो वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर का अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू थ्री क्या ऐसा हो सकता है तो ट्वेंटी सिक्स का अंडर रूट थ्री के बराबर होगा नहीं ऐसी तुम अभी तो मैंने वन और फाइव का कॉम्बिनेशन लिया तुम वन और थ्री का कॉम्बिनेशन लेकर देख लो बाद में थ्री और फाइव का कॉम्बिनेशन लेकर देख लो नहीं हो पाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ए आंसर आ गया इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देर इज़ अ ब्लॉक ऑफ मास एम विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ विच एक ब्लॉक है मास एम का जिसे हमने स्मूथ वेज पर रख दिया जिसका एंगल थीटा है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव इसे हम एक्सेलेशन से आगे की तरफ ले जा रहे हैं ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे हमें क्या बताना है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक जो वेज ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है वो फोर्स कितनी होगी सबसे पहले हम सीडो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे इस मास पे इस तरफ फोर्स लग रही है एम ए इस तरफ फोर्स लग रही है एम जी और इस तरफ लग रही है कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन ये चीज़ क्लियर हो गई और तो कुछ नहीं लग रहा अब यहां पर हमारे को क्या निकालना है यहां पर हमारे को निकालना है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक यहां पर ये यह जो कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन है इट इज ड्यू टू ब्लॉक ओ सॉरी इट इज ड्यू टू वेज ऑन द ब्लॉक भाई जो ब्लॉक है वो वेज को दबा रहा है वेज ब्लॉक को दबाएगी फॉर ऑबियस रीजन दोनों कॉन्टेक्ट में है ठीक है यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि वेज कैसी है वेज स्मूथ है मतलब कोई भी फ्रिक्शन व्रिक्शन जैसी कोई चीज़ यहाँ पर हमारे को देखने को नहीं मिल रही तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें रिजॉल्व करेंगे ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा सिमिलरली ये वाला एंगल जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में आंसर क्या आएगा एम ए कॉस नाइन्टी माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा तो कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ही वह फोर्स है जो हमारे को चाहिए एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा क्लियर फिर यहाँ पर मैं अगर अलोंग द प्लेन की फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ इस तरफ फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा और उस तरफ फोर्स क्या लग रही है पीछे की साइड मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरफ फोर्स लग रही है एम ए थीटा और इस तरफ फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा तो अलोंग द प्लेन में ये बोल सकता हूँ एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है तो एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है इज दैट क्लियर तो ये हो गया एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा अब हम देखेंगे आंसर किस फॉर्म में लगाना है जी 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 की फॉर्म में लगाना है तो मतलब ए को रिप्लेस करना है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एम से एम कैंसिल कर देना ए की वैल्यू आ रही है जी टेन थीटा उसे मैं यहाँ रख दूंगा तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्योंकि टेन थीटा को मैंने यहाँ खोल दिया ये बात क्लियर है तो जब आप खोल कर ए की वैल्यू को यहाँ लगा दोगे देखो यहाँ मैंने ए की वैल्यू को रिप्लेस कराया ये ए इस ए को रिप्लेस कराया मैंने एज जी टेन थीटा तो मेरे पास ये आंसर बैठ जाएगा फिर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा एम को मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है तो एम जी इंटू वन अपॉन में कॉस थीटा दैट इज़ ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन तो ऐसे करके ये होना था अच्छा क्वेश्चन था देन हमसे क्या कहा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है कि वेन

वेन फोर्स एफ वन एफ टू एफ थ्री आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास आर परपेंडिकुलर दैन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी अगर एफ टू और एफ थ्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो पार्टिकल स्टेशनरी होगा क्योंकि ऑब्वियसली एफ वन इन दोनों को दो काउंट्रैक्ट कर रहा होगा एफ टू और एफ थ्री के द्वारा जो रिजल्टेंट हमारे पास फोर्स आ रही होगी वो एफ वन को काउंट्रैक्ट कर रही होगी अब हमसे कहा गया इफ फोर्स एफ़ वन इज़ रिमूव अगर मान लो मैंने इस एफ वन को रिमूव करा तो हमें एक्सेलेशन ऑफ़ द सिस्टम निकालना है अब यहाँ पर जो रिज़ल्टेंट ऑफ द एफ थ्री एंड एफ़ टू है वो एफ वन के बराबर है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे सिस्टम पर कितनी लग रही होगी एफ़ वन के बराबर और ये किसके बराबर होनी चाहिए मास इंटू एक्सेलेशन के बराबर होनी चाहिए तो एक्सेलेशन का फार्मूला कितना आ जाएगा एफ़ वन अपॉन में एम दैट इज़ ए ये बात क्लियर है सो माई डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज कि हमारे पास यहाँ पर दो बॉल्स हैं जिनका साइज सेम है सो देर आर टू बॉल्स जिनका हमारे पास साइज़ सेम है वट वी हैव डन इस हमने दोनों बॉल्स को लिया और एक सर्टेन हाइट से गिर दिया जब वो गिर रही होंगी हवा है हवा की वजह से उनके ऊपर बू फोर्स लगेगी अब इन दोनों को हमने एक रोप से टाई अप कर रखा है ये एम वन है ये एम टू है दोनों के दोनों एक रूप से क्या है टाइड अप है बु एंड फोर्स दोनों के ऊपर ऊपर की तरफ लग रही है हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म हो चुका है ड्यूरिंग जो ये फ्लाइट है ये जो मोशन है यूनिफॉर्म हो चुका है यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है भाई इसके ऊपर जो नेट एक्सेलेशन होगा जीरो हो जाएगा ये मोशन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ये बस नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है तो आप ये बताइए जो टेंशन यहाँ पर डेवलप होगी वो टेंशन कितनी होगी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे एम टू कर देता हूँ और इसे एम वन कर देता हूँ क्योंकि एम वन इज ग्रेटर देन एम टू ये हमें ऐसा क्वेश्चन में मैंशनड है कि भाई एम वन जो है एम टू से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली वो नीचे आ जाएगा और एम टू ऊपर चला जाएगा अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई एज अ होल अगर मैं इस सिस्टम को देखूँ तो नेट फोर्स शुड बी बैलेंस क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ है नहीं तो दो टाइम्स ऑफ बू एंड फोर शुड बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू जी ये हम लिख सकते हैं देन हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि भाई बू एंड की वैल्यू आ गई एम वन प्लस एम टू जी अपॉन में टू हमें टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक मास को पकड़ कर बैठ जाओ जैसे मैंने एम वन को पकड़ा और उसकी एफ बी डी बनानी शुरू कर दी भाई टेंशन टी ऊपर लगेगी एम वन जी नीचे लगेगा बू फोर्स ऊपर लगेगी तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा टेंशन प्लस बू फोर्स इक्वल टू एम वन जी तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी एम वन जी माइनस बू फोर्स बू फोर्स हमारे पास एम वन एम टू इंटू जी अपॉन में टू दे रखा है मतलब हमने निकाल लिया फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सिंपली टी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एम वन माइनस एम टू जी अपॉन में टू दैट विल बी आवर आंसर विच इज़ योर ऑप्शन नंबर बी अ पार्शली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजोंटल टेबल तो हमारे पास एक रफ हॉरिजोंटल टेबल है जिसपे एक चेन जिसकी लेंथ है कैपिटल एल रेस्ट कर रही है क्लियर हमें पता है इस चेन का इतना पार्ट ए है इसकी मेजरमेंट ए है और इस पार्ट की जो मेजरमेंट है वो है एल माइनस ए हमसे ये पूछा गया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू तो यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई जितना पार्ट हैंग कर रहा है उसके द्वारा लगने वाली जो ग्रेविटेशनल पुल है मतलब ग्रेविटेशनल पुल कह रहा हो इन द सेंस ग्रेविटी की जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगी हाँ या ना एम जी फोर्स नीचे लगेगी तो हमें पहले इसका मास निकाल लेना है लेटेस से इसका मास है एम वन तो एम वन जी नीचे लग रहा है अब ये जो बाकी बचा पार्ट है लेटेस से इसका मास कितना है हमारे पास एम टू मास है तो पहले तो हम एम वन मास कैसे निकालेंगे हम ये मानेंगे टोटल मास चेन का कैपिटल एम है टोटल लेंथ एल है तो मैंने मास पर लेंथ निकाल लिया तो अगर मुझे एम वन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस लैम्डा से इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमिलरली अगर मुझे एम टू निकालना है एम टू निकालने के लिए मुझे लैम्डा को इस रिस्पेक्टिव पार्ट की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर हम ऊपर वाले पार्ट की एफ बी डी बनाएंगे भाई ऊपर वाले पार्ट पर पीछे की तरफ लग रही है फ्रिक्शन फोर्स एफ और आगे की तरफ क्या लग रही है हमारी पुलिंग फोर्स कौन सी पुलिंग फोर्स है लैम्डा ए जी की फ्रिक्शन फ़ोर्स कितनी हो जाएगी म्यू एन एन हमारे पास कितनी है एम इन टू जी एम किसका चाहिए हमारे को जो यहाँ पर पार्ट हमारा टेबल के ऊपर अवेलेबल है विच इज एम टू दैट इज लेमडा एल माइनस ए दैट इजा ए जी तो लेमडा से लेमडा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा म्यू की वैल्यू आ जाएगी जी से जी भी कैंसिल कर देना जी में लिखना भूल गया तो ए अपॉन में एल माइनस ए तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम क्लियर देन इन अ स्ट्रीट लाइट ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड एल इन डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न एज शोन इन द फिगर then हमसे पूछा जा रहा है ये patterns हैं इनमें से कौन ज़्यादा स्टडियर है स्टडियर मतलब ज़्यादा टिकाऊ कौन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो चलो ठीक है अगर हमें ये देखना है कि ज़्यादा टिकाऊ कौन है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो केबल है एक्चुअली ये सारी चीज़ों को पकड़े बैठी है तो केबल की कोई ना कोई मैक्सिमम टेंशन होगी भाई इससे ज़्यादा अगर टेंशन तुम केबल के अंदर लगाओगे तो वो टूट जाएगा मानते तो नहीं मानते तो जो हमारा लॉजिक है वो ये है कि भाई हम यहाँ पर इक्बीरियम कंडीशन लगाए और इक्लीबीरियम कंडीशन लगाए तो कौन सी लगाए टॉर्क का इक्लीबेरियम देखें हम तो हमने क्या करा हमने ले लिया ये वाले पॉइंट को मान लो ये पॉइंट है ये पॉइंट एक्स है नहीं एक्स मत लो ये पॉइंट ए ले लो इस पॉइंट पर सबकी जगह हर जगह इस पॉइंट पर ही मैं टॉर्क निकालूंगा नेट टॉर्क अब ये जो केबल है इसके ऊपर टेंशन इस तरफ लग रही है अगर मैं इस मान लो इस वाले पॉइंट बी को कंसीडर आउट कर रहा हूँ और एम जी फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रही है बल्ब की तो मैं यहाँ पर अगर इस लेंथ को वाई ले रहा हूँ और इस लेंथ को एक्स ले रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू टेंशन टी वाई इट इज बैलेंसिंग द टॉर्क ड्यू टू द एम जी फोर्स दैट इज एम जी इन एक्स ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई केस ए के लिए अब दूसरा केस लेकर चलेंगे हमारे पास पहले केस के अंदर ये लेंथ एल है ध्यान रखिएगा दूसरे केस के अंदर ये वाली जो लेंथ है एक्चुअली चेंज हो चुकी है हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी होगी कि भाई ये जो एक्स और वाई है क्योंकि देखो हर जगह ये चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पर कुछ और है जैसे हमने यहाँ एक्स वाई लिए हैं तो यहाँ वाई टू एक्स टू ले सकते हैं हम हमने अगर एक्स वाई लिए हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं वाई थ्री एक्स थ्री ठीक है तो अगर यहाँ पर एक्स वन वाई वन केस ले रहे हैं तो दूसरी जगह एक्स टू वाई टू लेंगे और तीसरी जगह एक्स थ्री वाई थ्री लेंगे क्या ये चीज़ क्लियर है सबको तो हमारे को बस ये देखना है कि भाई देखो जिस केस के अंदर टेंशन मिनिमम रहेगी उस केस के अंदर इक्बीरियम ज़्यादा अच्छे से अचीव होगा क्योंकि किसी केस के अंदर अगर टेंशन ज़्यादा हो गई और वही ब्रेकेबल टेंशन हो गई तो वो टूट जाएगा तो ये तो पहला केस हमारा निकल कर आ गया जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए एल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए हमारे पास दूसरे केस को अगर हम देखते हैं तो भाई जो हमारा दूसरा केस है वो क्या कह रहा है टी इन वाई टू इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम जी एक्स टू ये चीज क्लियर है ऐसी ही केस नंबर बी केस नंबर थ्री का भी ऐसी लिख दो टी इंटू वाई थ्री एंड एम जी इंटू एक्स थ्री अब अगर मैं एक्स्ट्रा चीजों को हटा दूं यहां पर से ये सारी चीजें मैंने यहां पर से हटा दी ये एंगल ये एंगल और ये एंगल हमें देखना है जैसा कि डायग्राम देखने से पता चल रहा है ये सारे एंगल सेम है क्लियर ये सारे के सारे एंगल सेम है ये भी थीटा मान लो ये भी थीटा मान लो और ये भी थीटा मान लो तो ये डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न हमारे को दे रखे हैं लेकिन इसमें ये थीटा 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 अब देखो ध्यान से जैसे मान लो मैं पहले वाले केस की टेंशन वन निकालता हूँ टेंशन वन मेरे पास आएगी एम जी एक्स वन अपॉन में वाई वन ऐसी टेंशन टू का वैल्यू आ जाएगी एम जी एक्स टू अपॉन में वाई टू ये आ जाएगी एम जी एक्स थ्री अपन में वाई थ्री ये सिंपल से केसेस हमारे पास बन गए हम देखते एक्स वन बाई वाई वन की रेशो किस में कम आनी चाहिए और यार हम यहाँ पर बायसिंग क्यों कर रहे हैं देख रहे हो तुम मैं भी वही गलती करने वाला था कि मैं यहाँ बायस हो जाता कि भाई ये भी एंगल थीटा ये भी एंगल थीटा ये भी एंगल थीटा ऑन द बिहाफ ऑफ विच मैं यहाँ पर एंगल थीटा को ऐसे ले रहा हूँ नहीं ले सकता मैं ठीक है तो इस अजम्शन को भी मैं बदलता हुआ चल रहा हूँ कि नहीं ले रहा मैं मुझे नहीं पता क्या एंगल होगा अब हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर रेसोज़ और हम ये जानते हैं कि भाई देखो चाहे केस कोई सा भी हो केस हमारा कोई सा भी हो कोई सा भी केस हो उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही एक्स वन ये देखो एक्स टू और ये देखो एक्स थ्री तो मुझे नहीं लगता ये जो बल्ब लगा हुआ है ये उसी जगह लगा हुआ है जहाँ ये पहले लगा हुआ था तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सेम है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो हो गए सेम तो यहाँ टेंशन किससे से वेरी कर रही है टेंशन वाई की वैल्यू से वेरी कर रही है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मेरी जो वाई वन है ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा है वाई टू से तो ज़्यादा ही है और वाई टू किस ज़्यादा है वाई थ्री से ज़्यादा है तो वाई वन अगर वाई टू से ज़्यादा है और वाई टू वाई थ्री से ज़्यादा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी टेंशन वन है वो टेंशन टू से कम होगी और वो टेंशन थ्री से कम होगी तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें है इसके टूटने के चांसेस है इसमें सबसे कम है तो ये इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा नहीं है तो कहा जा सकता है फ्रॉम द अबव एनालिसिस कि भाई ये वाला जो पैटर्न है हमारा ये ज़्यादा स्टडियर होगा तो ऐसे करके इसका लॉजिक लगाना था नाउ लेट एस स्टार्ट विद कॉमन फोर्स kg वेट तो हमने यहां पर एक रोप रखी है ये रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन इट कैन बियर मैं इसे लिख देता हूं मैक्सिमम इट कैन बियर कितनी दे रखी थर्टी के जी वेट अब इस वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए टेन से मल्टीप्लाई कर देना थ्री हंड्रेड आंसर आ जाएगा हमने क्या करा हमने इससे स्टोन लगा दिया दस के जी का अब हमने यहां पर बोला कि हम इस पूरे सिस्टम को टेन मीटर हाइट पर लेकर गए देखो द मिनिमम टाइम इन विच द स्टोन कैन बी रेज थ्रू अ हाइट ऑफ टेन मीटर विल बी तो हमने आपसे ये पूछा कि हम इसे टेन मीटर हाइट तक लेकर गए तो आप ये बताइए मिनिमम टाइम कितना लगेगा तो मैंने यहाँ पर बोला सबसे पहले ये तो निकाल लो कि एक्सेलरेशन कितना है क्योंकि देखो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है और टाइम के लिए हमारे पास कैनामेटिक्स की इक्वेशन होती है सबसे बढ़िया इक्वेशन कौन सी होगी एसल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एस हमारे को दे रखा है टेन इनिशियल वेलोसिटी हमारे को दे रखी है जीरो लेकिन एक्सेलरेशन क्या लेंगे काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं जी ले लेते हैं जी नहीं लेना आपको ध्यान से देखिएगा क्या लेना है भाई इस पूरे सिस्टम को तुम उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हो ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो तुम क्या लिखोगे तुम लिखोगे टेन के जी वेट टेंशन टी एक्सेलरेशन ए टेन इंटू टेन नीचे की तरफ टेंशन कितनी है हमारे पास तीन सौ तो यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ट्वेंटी तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा ट्वेंटी तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू इंटू टेन अपन में यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी और इसका भी अंडर रूट विच इज वन सेकेंड तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा वन सेकेंड का आंसर आ जाएगा क्लियर वन सेकेंड या ना हाँ ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ वन के जी एट रेस्ट एक किलो का मास है रेस्ट पर है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है जहाँ पर कोफिशंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो पॉइंट वन के बराबर है और ग्रेविटी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है तो अगर देखो मान लो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगी तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी के बराबर हो सकती है तो अगर मेरी फोर्स इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर लग जाए थोड़ा सा भी उससे आगे हो जाए तो ये ये जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल जस्ट मूव इज दैट क्लियर तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द मास हमें मिनिमम फोर्स अगर देखनी है तो वो मैक्सिमम के बराबर होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 हमारे पास मास की वैल्यू कितनी रखी है 1 जी की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 9.8 तो एक्चुअली 0.98 न्यूटन फोर्स तो लगनी ही चाहिए तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो

ये हमारे पास बॉक्स आ गया इसका मेजरमेंट क्या है टेन बाय टेन की मेजरमेंट है तो मैं पॉइंट वन लिख देता हूँ तो पॉइंट वन की हमारे पास क्या हो गई बच्चे मेजरमेंट हो गई ठीक है हाइट कितनी दे रखी है जीरो पॉइंट मीटर की हाइट दे रखी है यहाँ पर कैप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन द कोविशंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे को कितना दे रखा है रूट थ्री दे रखा है इनकलीनेशन कितना दे रखा है थीटा दे रखा है अब हमसे क्या कहा जा रहा है ग्रेजुअली द इंकलीशन इज़ इंक्रीज फ्राम ज़ीरो डिग्री इंकलीनेशन को आप जीरो डिग्री से थोड़ा सा थोड़ा बढ़ाए जा रहे हैं तो इनमें से हमें देख रहे हैं कि केसेस क्या क्या होंगे एक्चुअली मैं तुम्हारे को बताता हूँ ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें इंक्लिनेशन वो बढ़ाए जा रहा है तो वो तुमसे दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है क्या कि ये जो बॉक्स होगा या तो ये लुढ़क जाएगा या फिर ये खिसक जाएगा या फिर दोनों हो सकते हैं तो यहां पर हमें ये देखना है कि भाई ये बॉक्स मूव ही कब करेगा दो केसेस में मूव कर जाता है बॉक्स, या तो वो जाए, जाए, टॉपल हो या फिर वो घिसड़ जाए। कहने का मतलब है नीचे की तरफ क्या कर जाए ट्रेवल कर जाए समझ गए बेटा अब देखो करना क्या है तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना पहले एफ बी डी बना लो इसके पहले ना यहाँ पर चेक करो रोटेशनल टॉपलिंग को फिर चेक करो तुम कि भाई ये सड़क कर घिसड़ कर नीचे ना चला जाए है ना जैसे हम कहते थे ना एक पर्टिकुलर एंगल पर हमारा बॉक्स नीचे चला जाया करता था इज़ दैट क्लियर अभी मेरे दिमाग में वो उसका एंगल का नाम नहीं आ रहा एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज तो पहले ना रो रोटेशनल टॉपलिंग हम देख लेते हैं देखो होगा क्या ये बीच का सेंटर है ये हमारे पास दो फोर्सेस लगेंगी एक तो एम जी कॉस थीटा हो गया एक होगी एम जी साइन थीटा अब मैंने क्या कहा अगर ये बॉक्स लुढ़केगा तो ये इस पॉइंट पी के अबाउट लुढ़क सकता है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम जी साइन थीटा और ये वाली लेंथ अब ये कितनी हो गई लेंथ हमारे पास जीरो पॉइंट वन फाइव हाइट है ना जीरो पॉइंट वन फाइव तो उसका आधा और एम जी थीटा इस पॉइंट से कितना दूर है इतना दूर है ये वाली लेंथ कितनी है जीरो पॉइंट वन का आधा ठीक है ओके okay, सब कुछ दिख रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ भी कट रहा है है ना मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ मैं इसे अलग खिसकाते तो तुम लोगों के लिए तो अरे एम जी क्यों इस तरफ आ गया चलो इसे भी इस तरफ ले जाते हैं हाँ मैं क्या कह रहा था यहाँ पर से आप एंगल निकालने की कोशिश करना ठीक है तो हमारे पास इसके लिए जो एंगल निकल कर आएगा टेन थीटा का वो निकल कर आ जाएगा थर्टी थ्री डिग्री के आसपास टोटल तो कैलकुलेट करा जा सकता है थर्टी थ्री डिग्री थर्टी फोर डिग्री के आसपास ये निकल कर आ जाएगा तो अब ये मेन बात है कि अगर मेरा थीटा थर्टी थ्री डिग्री हो गया तो ये नीचे टॉपल कर जाएगा लुढ़क जाएगा चलो हमने रोटेशनल टॉपलिंग का देख लिया अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज़ की एंगल ऑफ़ रिपोज में क्या होता है भाई जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रही है अगर एम जी साइन थीटा एक्सीड कर गया तो नीचे चले जाएंगे तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू ध्यान से देखना फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी थीटा से कम होनी चाहिए और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है एम जी साइन थीटा के दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा क्लियर मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ क्लियर अब यहाँ पर अगर मैं इस वक्त टेन थीटा की वैल्यू निकालू तो वो कितनी आ जाएगी देखो एम जी से एम जी हमारा कट जाएगा और सिर्फ म्यू के आसपास म्यू टेंथ ये म्यू के बराबर रह जाएगी और म्यू की वैल्यू हमारे को इतनी देर रखी है रूट थ्री तो मतलब थीटा की वैल्यू सिक्सटी डिग्री अब तुम ये चेक करो कौन सा एंगल कम है जो एंगल कम होगा वो फिनिना पहले काम आएगा वो जल्दी आ जाएगा अब जैसे यहाँ पर मुझे पता है भाई टॉपलिंग का एंगल कम है तो मतलब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ भले ही ब्लॉक नीचे ना खिसके लेकिन लुढ़क जाएगा अगर इसका एंगल कम आ जाता रिपोज का एंगल कम आ जाता तो वो लुढ़कता बाद में पहले खिसक जाता बात समझ आ रही है तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा ब्लॉक है वो लुढ़क जाएगा थर्टी थ्री डिग्री पर रैदर देन कि वो खिसक कर नीचे जा रहा है तो एट थीटा थर्टी डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन गलत थर्टी थ्री डिग्री पर वो टॉपल होना शुरू हो रहा है द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू अ सर्टेन एंगल देन विल टॉपल ये हो रहा है एट सिक्सटी डिग्री ब्लॉक विल स्ल स्लाइडिंग डाउन नहीं 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 थर्टी डिग्री पर ही वो लुढ़क गया तो वो लुढ़क गया तो स्लाइड क्यों करेगा बाद में तो बाकी के जो दो केसेस हो गए खराब हो गए बेकार हो गए चीज हमारी क्लियर है तो ये हमें ध्यान में रखना है नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी इफ इट स्लाइड डाउन अ रफ इनक्लाइंस प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज वी बाई एन वेयर इज अ नंबर विच इज ग्रेटर दैन वन दफिशंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एस हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है अब ब्लॉक मूव डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इसका तो फ्रिक्शन कोफिशेंट जीरो है स्मूथ है क्योंकि ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी तो जब वो नीचे आता है तो वेलोसिटी कितनी बन जाती है वी इफ इट स्लाइड डाउन थ्रू अ रफ इंक्लाइन प्लेन अगर मान लो कोई एक रफ इंक्लाइन प्लेन है इंक्लिनेशन थीटा है मगर रफ है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है वी बाई एन जो कि वी से थोड़ी सी कम होगी ठीक है यहाँ पर एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हमारे को क्या करना है यहाँ पर एन की वैल्यू निकालनी है क्या कहने का मतलब है यहाँ पर दो केसेस है जो हमारे को बच्चे सॉल्व करने पड़ेंगे सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दीज केसेस तो एक काम करते हैं पहले तो ये हटा देता हूँ मैं देन हम स्टार्ट करते हैं तो लेट अस कि भाई हमारे पास जो इनक्लाइन प्लेन है उसकी लेंथ एस है ये हमारा ब्लॉक है जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी हो जाएगी पहले तो हम इस वी वेलोसिटी को एक बार निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो हम जानते हैं कि भाई यहां पर ये एंगल हमारे को थीटा दे रखा है अगर हमने इंक्लाइन सरफेस की लेंथ एस मानी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस साइन थीटा तो जो लॉस होगी हमारी हाइट दैट इज़ लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन इन कैनिडिक एनर्जी एक तो हम ये कर सकते हैं ठीक है बाकी तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो कि भाई हमें पता है कि इस साइड जो एक्सलेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है जी साइन थीटा का तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस लगा दो तो यहाँ पर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू टू जी साइन थीटा इन एस ये हमारे पास क्या आ जाएगा वी की वैल्यू आ जाएगी ये पहले केस में है जब हमारे पास क्या है स्मूथ प्लेन है तो यहाँ पर मैं ये वी की वैल्यू लिख लेता हूँ रूट टू जी एस साइन थीटा अब मैं ले लेता हूँ वो वाला केस कौन सा जिसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये थीटा हो गया यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है ये हमारा बॉक्स हो गया अब नीचे जी साइन थीटा लग रही है जिसके इन्फ्लुएंस में वो मूव कर रहा है और पीछे की तरफ क्या लग रही है हमारे पास म्यू जी कॉस थीटा तो अगर हम यहाँ फोर्सेस की टर्म्स में लिखे तो एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे लग रही है और म्यू एम जी कॉस थीटा फोर्स पीछे की तरफ लग रही है तो अगर हम यहाँ पर नेट एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम देखें तो वो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज दैट क्लियर ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे द वेलोसिटी विल बी वी डैश टू इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस अच्छा जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये म्यू जी कॉस थीटा कितना आया कैसे आया तो फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू इन टू एन ठीक है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है तो पीछे करंट एक फ्रिक्शन लग रहा होगा अब ये वी डैश हमारे को दे रखी है वी अपॉन में एन तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई वी और वी अपॉन में एन की इक्वेशन आ गई मैं यहाँ पर क्या करूँगा मुझे एस की ज़रूरत नहीं है तो मैं इन दो इक्वेशनों को डिवाइड कर दूंगा कर दिया दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से वी से वी कट जाएगा एन ऊपर चला जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल अंडर रूट ऑफ जी एस साइन थीटा अपॉन में टू टाइम्स ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस अच्छा देखो अब एक काम करो एस से एस कैंसिल कर दो ये वाले एस से ये वाला एस कैंसिल टू जी से जी जी और टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एन की एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी अंडर उट ऑफ साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई क्लियर अब हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा थोड़ा सा रिशफल करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा साइन थीटा इन टू एन स्क्वायर माइनस म्यू एन स्क्वायर कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है मैं दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा एन स्क्वायर इक्वल टू नहीं नहीं एक सेकेंड एक तो जगह कम है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ रही है तो मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ वैसे भी इस डायग्राम की हमारे को क्या जरूरत है ये डायग्राम हटा दिया मैंने ठीक है सर और बाकी की चीज़ों को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं सर ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए ये सब चीज़ें ऊपर शिफ्ट हो गई तो यहाँ पर से मैं अगेन ने एक बार फिर एक्सप्रेशन लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा दैट विल इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर टेन थीटा का फैक्टर आ जाएगा एन स्क्वायर टेन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू इक्वल टू टेन ऑफ एंगल थीटा तो यहाँ पर से मेरे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा कॉमन निकाल लूंगा वन माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर और थोड़ा सा हम एक बार एक काम करते हैं सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं इतना ज़्यादा परेशान होने की हमारे को क्या ज़रूरत है ठीक है तो थोड़ा सा हम इसे सिम्पलीफाई करके हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है वो कितनी आएगी तो मैंने टेन थीटा कॉमन ले लिया था थोड़ा सा रिशफल करते हैं तो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर टेन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ठीक है मुझे पता है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है आई होप so सबको अभी ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा ये कैसे आया एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन इसकी वजह से आया है मैं टेन थीटा को एक साइड ले गया मतलब ये वाले टेन थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया और एन स्क्वायर म्यू को मैं राइट हैंड साइड ले गया अब तो क्लियर है तो यहाँ पर से टेन थीटा कॉमन निकाल लेंगे एन स्क्वायर से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास टेन थीटा कॉमन आ गया और वन बाय एन स्क्वायर आ जाएगा तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि क्या है ई एक्सप्रेशन है तो दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमसे पूछा गया है इन द शोन फिगर तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में नेट मास ऑफ द सिस्टम तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी है 7.5 10 75 न्यूटन और इस तरफ कितनी लगेगी टेन ये इसका मास है एम जी साइन थीटा कहने का मतलब है एम जी साइन थर्टी डिग्री विच इज़ वन बाई टू तो ये हो जाएगी फाइव तो नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास कितनी हो गई 75 फाइव माइनस फिफ्टी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम टेन प्लस सेवनटीन सेवन पॉइंट फाइव दैट इज़ सेवनटीन पॉइंट फाइव ठीक है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन में नहीं नहीं हाँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन में सेवनटीन पॉइंट फाइव बस इसे हमें ट्रांसलेट करना है इन द टर्म्स ऑफ जी क्योंकि यहाँ पर जी 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 दे रखा है तो वैसे हम जी की टर्म्स में भी कर सकते थे हमने करा नहीं खुद ही नहीं करा तो जी की टर्म्स में कर लेते हैं क्योंकि आंसर यार जी की टर्म्स में दे रखा है तो सेवन पॉइंट फाइव जी माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा टेन जी थीटा विच इज़ फाइव जी अब तो क्लियर है अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ अब देखो टोटल मास ऑफ द सिस्टम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा क्योंकि नेट पुलिंग फोर्स तो हमारे को पता चल गई लेकिन टोटल मास ऑफ द सिस्टम हम यहाँ पर क्या लेंगे पहले तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये ऊपर का आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5 आ जाएगा 2.5 पॉइंट फाइव जी निकल कर ऊपर का आंसर आ जाएगा अभी के लिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम अगर तुम देखोगे 10 के जी यहाँ पर है और 7.5 पॉइंट फाइव यहाँ पर हमारे को दे रखा है तो नीचे आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट फाइव अब मैं एक चीज़ बताऊँगा टू पॉइंट फाइव को अगर मैं सेवन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होता है सात बंजे पैंतीस सात धुनी चौदह और सत्रह तो यहाँ पर टोटल मास हमारा सेवनटीन पॉइंट फाइव के जी है तो आंसर आ रहा है टू पॉइंट फाइव जी अपॉन में सेवनटीन पॉइंट फाइव अगर ढाई को मैं सेवनटीन पॉइंट फाइव से काटूँगा तो कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा तो जी अपॉन में सेवन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है हमने नॉर्मल ट्रिक वाला फार्मूला ही यूज़ करा है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम टोटल मास है टेन प्लस सेवन पॉइंट फाइव और नेट पुलिंग फोर्स हमने ऐसे निकाल ली इन द टर्म्स ऑफ जी रैदर देन इन द टर्म्स ऑफ टेन हमने निकाला हमने इन द टर्म्स ऑफ जी निकाली है याद रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यहाँ पर रहेगा ये एम जी साइन थीटा एम की वैल्यू टेन है साइन थीटा की वैल्यू वन बाई टू है क्योंकि थीटा थर्टी डिग्री है इन टू जी देट इज़ फाइव जी ये ध्यान रखना बस आप नेक्स्ट अ मैन ऑफ वेट एम जी इज मूविंग अप इन आर रॉकेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ फोर जी अपेरेंट वेट ऑफ द मैन विल बी एक आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट के अंदर रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो फोर जी के बराबर है तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो आदमी का अपेरेंट वेट होगा वो कितना दिखाई देगा हमारे को देखो आदमी के ऊपर ग्रेविटी नीचे की तरफ पड़ रही है और इस एक्सेलरेशन uh, की वजह से रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से उसे एक सीडो एक्सेलरेशन महसूस होगा या कह लो सीडो फोर्स महसूस होगी कितने की फ़ोर एम जी की अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो नेट फोर्स वो आदमी कितनी दे रहा है फ्लोर पर कितनी दे रहा है वो फाइव एम जी फोर्स दे रहा है तो अगर यहाँ मान लो कोई वेडनिंग मशीन है तो वेडनिंग मशीन कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ लगा रही होगी तो एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव एम जी देट विल बी आवर सोल्यूशन जो हमारे को ध्यान में रखना है क्लियर देन हमारे पास क्या आ जाता है अ रोप ऑफ मास ज़ीरो पॉइंट वन के जी इज़ कनेक्टेड टू एट सेम हाइट ऑफ टू अपोजिट वॉल तो दो अपोजिट वॉल है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद कर लेना क्योंकि ये नीट के अंदर आने के चांसेस रखता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये क्वेश्चन डॉजी हो जाता है इसकी लैंग्वेज की वजह से और ज्योमेट्री की वजह से कह रहा है कि एक रोप है जिसे आपने तानकर दो वॉल्स के बीच में रख रह रखा है रोप का मास जीरो पॉइंट वन के जी है अब हमसे क्या कहा गया कि उसे अपने वेट के अंदर हैंग होने दे रहे हैं हम अगर वो अपने वेट के अंदर हैंग होगा तो क्या होगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा तो काइंड ऑफ लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो एम जी इस तरफ लगेगा टेंशन इस तरफ लगेंगी अब हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द रोप एंड द वॉल द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ टेन डिग्री मतलब ये वाला जो एंगल है हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों टेन डिग्री दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द टेंशन इन द रोप अब पहली बात तो ये है मैंने तुम्हें क्लास में बता रखा है कि अगर एक रोप होगी तो एक ही टेंशन होगी तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है टेन डिग्री ये वाला एंगल कितना है टेन डिग्री तो अगर इन दोनों टेंशनों को मैं वर्टिकली रिजॉल्व कर दूँ तो क्या आएगा टू टी साइन टेन डिग्री तो यहाँ पर टू टी साइन टेन डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है एम को बैलेंस कर रहा है तो टाइ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी अपॉन में टू साइन टेन डिग्री ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी ठीक है अब यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यूज़ लगा देनी है ये ज़ीरो पॉइंट वन हो जाएगा ये टेन हो जाएगा ये हमारे पास साइन टेन डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पर जब वैल्यूज़ लगाएंगे सारी वैल्यूज़ रखने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा टू न्यूटन के आस का आंसर आ जाएगा याद रखिएगा कि भाई अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ये वाला टी कॉस थीटा इस वाले टी कॉस थीटा को क्या कर रहा है नगेट कर रहा है कैंसिल आउट कर रहा है इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल नहीं देखना सिर्फ आपको वर्टिकल देखना है वर्टिकल से ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ये चीज़ क्लियर है देन ट्वेंटी फोर के जी ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर हैज़ अ रोप टाइड टू इट्स टॉप द मैक्सिमम टेंशन इन द रोप कैन विद स्टैंड विदाउट ब्रेकिंग इज थ्री हंड्रेड एंड टेन द मिनिमम टाइम विच द ब्लॉक कैन बी लिफ्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज फोर पॉइंट सिक्स बाई पुलिंग द रोप यहाँ पर एक रोप है ये बॉक्स है चौबीस किलो का बॉक्स है और हमने कहा कि हमने यहाँ एक रोप लगा रखी है इसको रोप से हमने ऐसे पकड़ रखा है जैसे ये ये बॉक्स है तुम्हारे पास खैर अभी तो ये यह नहीं यहाँ पर से होगा ये जुड़ा हुआ है तो हम ये मान कर चलते जैसे ये बॉक्स है ये बॉक्स है भाई बॉक्स है ये रोप है ये रोप की जो क्षमता है वो कितनी है तीन सौ दस न्यूटन है इससे ज़्यादा ये टेंशन ले नहीं सकता ये चौबीस किलो का बॉक्स हो गया तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है अगर मान लो मैं इस बॉक्स को कितना लेकर गया फोर पॉइंट सिक्स मीटर ऊपर लेकर गया फोर पॉइंट सिक्स मीटर क्या लेकर गया इसे ऊपर लेकर चला गया मान लो एक परसेंट के लिए तो ये बताओ कि भाई इस इस कार्य को करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा हमें एन एल एम के साथ कैनामेटिक्स का क्वेश्चन दे दिया समय के फार्मूला हम लिखते हैं समय के क्या क्या फार्मूला हम लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक तो ये फार्मूला लिख सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी देखते हैं कौन सा फार्मूला इन दोनों में से काम आ सकता है अगर मैं दूसरे वाला फार्मूला लगाऊँ तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का पता होना जरूरी है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है अगर मैं पहले वाले फार्मूला को लगाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट ये तो गिवन है कि भाई जो हमारा ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेकर ऊपर जा चुका है तो जो हमारा ब्लॉक है वो फोर पॉइंट सिक्स मीटर डिस्प्लेसमेंट लेकर ऊपर जा चुका है इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है एक्सेलरेशन अभी हमारे को पता नहीं है एक्सेलरेशन पार्ट हम एनएलएम से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे भाई जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू पॉजिटिव टेंशन माइनस एम जी वेयर मास ऑफ द ब्लॉक इज ट्वेंटी फोर टेंशन इज मैक्सिमम थ्री हंड्रेड एंड टेन ये भी हो जाएगा ट्वेंटी फोर और ये हो जाएगी टेन तो यहाँ पर से हम एक्सेलेशन की वैल्यू क्या कर सकते हैं माई डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो और उसको फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ टाइम की वैल्यू आ जाएगी टू एस अपॉन में ए का अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू टू इन टू एस विच इस फोर पॉइंट सिक्स अपॉन में द एक्सेलरेशन एक्सेलेशन हमारे पास कितना आएगा तीन सौ दस माइनस दो सौ चालीस अपॉन में मास ट्वेंटी फोर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट सेवन सेकेंड के आसपास का आंसर दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग देन हमारे को अगेन थ्री बॉडी प्रॉब्लम दी गई है तीन ब्लॉक है जिनका मास एम वन एम टू एम थ्री है दे आर प्लेस हॉरिजॉन्टली एंड अ फोर्स ऑफ फोर्टी न्यूटन पुल द सिस्टम चालीस न्यूटन की फोर्स यहाँ पर पुल कर रही है हमारे को टेंशन इन दिस निकालना है इफ़ एम वन की वैल्यू टेन है एम टू की वैल्यू सिक्स है एंड एम थ्री की वैल्यू क्या है फोर के जी दे रखी है तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स हमसे कुछ नहीं पूछा गया है हमसे कहा गया कि नॉर्मल जो आप लोगों ने आ, क्लास के अंदर पढ़ा हुआ सिस्टम है उसे ध्यान दीजिएगा थ्री बॉडी सिस्टम एक फोर्स लगा दी चालीस न्यूटन की बस ये बताने टेंशन कितनी है तो सबसे पहले हम एक्सेलेशन ऑफ द सिस्टम निकालेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स विच इज़ फोर्टी न्यूटन अपॉन में द नेट मास ऑफ द सिस्टम टेन प्लस सिक्स प्लस फोर विच इज़ ट्वेंटी तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर निकल कर आ जाएगा इज़ दैट क्लियर अब मुझे ये वाली टेंशन निकालनी है अगर मुझे ये वाली टेंशन निकालनी है तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पर दस किलो के ब्लॉक पर जो कि पहला ब्लॉक है जिसके ऊपर ये चालीस न्यूटन की फोर्स लग रही है मैं इस ब्लॉक को कंसिडर आउट कर सकता हूँ कर सकता हूँ नहीं कर सकता तो मैंने इस ब्लॉक को कंसिडर आउट कर लिया टेन के जी का ब्लॉक दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ़्तार से आगे की तरफ जा रहा है ठीक है पीछे इसकी लग रही है टेंशन तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ मास इंटू भई भाई हमारे पास क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन पीछे की तरफ क्या लग रही है सर इसके टेंशन लग रही है तो ये हमने लिख दिया टेंशन दैट इज टी इज दैट क्लियर तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई ट्वेंटी न्यूटन ये टेंशन की वैल्यू निकल कर आ गई और तो कोई फॉ इस पर फोर्स नहीं लग रही नहीं लग रही याद रखना टेंशन ऑलवेज़ एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी जो आपको क्वेश्चन में टेंशन दी गई है इट इज़ द रिसीविंग वन वो गलत है वो गलत किसके लिए टेन के के लिए लेकिन सिक्स के के लिए वो बिल्कुल सही टेंशन है इज़ दैट क्लियर सिक्स के के लिए वो टेंशन टी आगे ही एक्ट करेगी तो कभी भी क्वेश्चन बनाने वाले से डरिएगा मत कि भाई क्वेश्चन में टेंशन इस डायरेक्शन में दे रही मेरी इस डायरेक्शन में आ गई तो मैं आंसर को माइनस ट्वेंटी लिख दूंगा माइनस ट्वेंटी टेंशन तो वैसे भी एक्ट नहीं होने वाली है टेंशन एक एक्सटें मतलब टेंशन कंप्रेसिव नहीं हो सकती टेंशन तो कुछ खींचने वाली फोर्स होती है आप कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी एक ये प्रिंसिपल याद रखिएगा नॉर्मल जो हमने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया है वो याद रखिएगा एंड देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन इट जो कि हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है ट्वेंटी न्यूटन निकल कर आ रही है एक और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर द स्टैटिक कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हेयर इज जीरो पॉइंट टू फाइव ये हमारे को नोट दे रखा है फोर्टी फाइव डिग्री का हमारे पास ही, क्या है बच्चों एंगल है हमें बी का वेट निकालना है वेट का मतलब होगा न्यूटन में आंसर आना चाहिए मास नहीं निकालना वेट निकालना है बी का वेट निकालना है ठीक है मैक्सिमम वेट निकालना है मतलब यह जो सिस्टम है ये बी का कितना मैक्सिमम वेट होल्ड कर सकता है बच्चों एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर जब हम ए का एफ बनाएंगे ए के एफ पर जैसे मान लो मैंने ए ले लिया एक को टेंशन टी वन आगे की तरफ खींचेगी तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ रखेगा तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम बीरम में रहेगा तो टेंशन टी वन फ्रिक्शन के बराबर हमारा होना चाहिए तो टेंशन टी वन फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए ये बात ध्यान रखना तो यहाँ पर बस मैं ये बनाकर छोड़ रहा हूँ ये टी टू हो गया यह टी वन हो गया और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी हमारी मास ऑफ बी इंटू ग्रेविटी की फोर्स इज दैट क्लियर चलो ठीक है मैं ये मानकर चलता हूँ कि किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता होगी तो एक बार मैं फिर से उसको समझा देता हूँ बच्चे देखो जिसे नहीं पता यहाँ पर इस वाली रोप के अंदर इस बी मास की वजह से जो टेंशन डेवलप होगी वो कितनी डेवलप होगी एम बी जी डेवलप होगी तो आप इस नोड को पकड़ लेना अब इस नोड पर टेंशन टी टू इस तरफ लग रहा है टेंशन टी वन इस तरफ लग रहा है और ये जो टेंशन टी थ्री है जो इस रोप के अंदर डेवलप हो रही है वो नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी अभी हमारे लिए ये बॉडी ये पॉइंट है तो पॉइंट रहेगी ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल हो गया तो ये हमारे पास कितना आंसर आया एम बी जी अब ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा वन एट्टी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री ये एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री ये एंगल कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री तो हम ये मान सकते हैं टी थ्री अपॉन में साइन ऑफ वन एट्टी डिग्री माइनस फोर्टी फाइव डिग्री दैट विल बी इक्वल टू टी वन अपॉन में साइन ऑफ एंगल पीछे जा रही है एक बार हम इसे थोड़ा सा आगे मूव ऑन करवा देते हैं ठीक है साइन ऑफ एंगल देखो अब टी वन के अपोजिट कौन सा एंगल है नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव एंड टी टू के अपोज़िट कौन सा एंगल है साइन नाइनटी डिग्री टी टू की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है टी थ्री की वैल्यू है एम बी जी तो यहाँ पर से अगर मान लो मैं पहले सेट को इक्वेट करवाता हूँ इन दोनों को इक्वेट करवाता हूँ तो मेरे पास एम बी की वैल्यू आ जाएगी T1 वन कॉस फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव अपॉन में जी ये आ गई अब कॉस फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव एक दूसरे से कट जाएंगे टी वन की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है एट मैक्स वो देखो वो फ्रिक्शन के बराबर होगी वो फ्रिक्शन अपॉन में जी होगी लेकिन क्या फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे को गिवन है नहीं कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे यार डायरेक्टली हम फ्रिक्शन में म्यू एन म्यू एन ले, ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है पहले समझो म्यू एन क्यों ले रहे हो क्या उसने कहा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तभी फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी तब जाके होगी म्यू इन टू एन और एन की वैल्यू क्या होगी एम जी किसका एम ए का अपॉन में जी जी से जी काट देना है यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर ये यह देख लेना वेट कितना है इसका इसका वेट है सौ न्यूटन तो और म्यू दे रखा है तुम्हारे को जीरो पॉइंट टू फाइव और इसका वेट दे रखा है सौ न्यूटन सौ इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव आपके पास आंसर दे देगा बी ऑप्शन विच इज ट्वेंटी फाइव न्यूटन नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे ये यह क्वेश्चन यहाँ चलो ठीक है दे दिया अब जैसा भी है अच्छा क्वेश्चन है करना तो है ही कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास रूट थ्री के जी है इट इज़ रेस्टिंग ऑन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स इज अप्लाइड द द द द ब्लॉक ब्लॉक एज शोन इन फिगर इफ ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी बी कैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट मूविंग भाई हमारे पास इस फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे अगर मैं पहले तो यार एक सीधी तरीके से इस ब्लॉक का एफ बी डी बना लेता हूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एफ और साइन सिक्सटी डिग्री विच इज़ रूट थ्री बाई टू कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ लगेगा एम जी नीचे की तरफ लगेगा ठीक है और इस फोर्स का कॉस कॉम्पोनेंट आगे की तरफ लगेगा अब हम यहाँ पर कह रहे हैं हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होनी चाहिए मुझे ये पता है कि फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शन के बराबर करेंगे अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ये बोल सकते हैं भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन के बराबर होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन इटसेल्फ अब हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है म्यू एम जी के बराबर हो सकती है? है तो मैंने कहा कि भाई ये फोर्स की वैल्यू भी जो होगी वो भी किसके बराबर होनी चाहिए फ्रिक्शन की और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी से कम है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा म्यू एम जी लिख दूंगा तो यहाँ पर से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू वो फोर्स की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ म्यू एम जी मगर हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं जो तुम भी नहीं ध्यान दे रहे हम यहाँ बार बार एम जी एम जी लिखे जा रहे हैं जबकि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी नहीं होती क्या होती है म्यू एन होती है लगा ना झटका ठीक है क्या होती है म्यू एन तो यहाँ एन लेना यहाँ एन लेना अब एन की वैल्यू मैं निकालना सिखा देता हूँ ये कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन है एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई देखो दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही हैं यहाँ पर तो एफ़ रूट थ्री बाय टू प्लस रूट थ्री जी तो ये हमारे पास कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू टाइम्स ऑफ म्यू एन देट इज़ म्यू एन की वैल्यू लिखेंगे एफ़ रूट थ्री बाय टू प्लस रूट थ्री जी तो एफ़ शुड बी लेस देन और इक्वल टू हम इक्वल टू का साइन लेकर चल रहे ले थे क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट फोर्स निकालनी है यहाँ पर वैसे भी क्वेश्चन में कोई इनक्वालिटी के बारे में ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा तो हम लिखेंगे टू म्यू एफ रूट थ्री बाई टू टू से टू अपन लोग कैंसिल कर देंगे प्लस टू म्यू रूट थ्री जी ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा अब इसे बस हम इस तरफ ले लेंगे जब हम इसे इस तरफ ले लेंगे तो हमारे पास एफ़ की वैल्यू हमारे को निकालने को मिल जाएगी म्यू की वैल्यू लगा लेना भाई म्यू की वैल्यू हमारे को कितनी देर रखिए वन पॉइंट टू रूट थ्री तो थोड़ा सा अगर तुम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सको वो सिंप्लीफाई कर लेना तो ट्वेंटी न्यूटन का आपको आंसर देखने को मिलेगा फोर्स का जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो ट्वेंटी न्यूटन का आंसर बच्चा पार्टी आपको देखने को मिल जाएगा क्लियर ये इंपॉर्टेंट है ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ लो ये क्वेश्चन आ सकता है कह रहा है कि देर इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ट सी एज शोन इन द फिगर द कोफिशन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू द एक्सेलरेशन इज एल्फा ऑफ़ द cart दैट विल prevent द ब्लॉक from फॉलिंग अरे देखो यहाँ पर अपन लोग के पास फ्रिक्शन लगा हुआ है तो ये एक चिपकने वाला सरफेस है ये कह लो रफ़ सरफेस है मैंने एक ब्लॉक लिया इस ब्लॉक को यहाँ पर रख दिया और इसे दौड़ाया अब मुझे ये इस एक्सलेशन से दौड़ाना है ताकि ये ब्लॉक नीचे ना स्लिप कर जाए ये बात क्लियर है अब तुम लोग सोच रहे थे कि मैं अपने वन प्लस के हेडफोन्स को नीचे स्लिप करवा कर दिखाऊँगा वो टूट जाएंगे मज़ा आएगा तो ऐसा नहीं है भाई बड़े महंगे लिए थे ठीक है पापस है मैंने तो ऐसे काम नहीं करूँगा मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा पापा मम्मी का पैसा हाँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जब आंसर कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखना भाई अगर मान लो ये अल्फ़ा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो इस बॉक्स के ऊपर पीछे की तरफ सीडो एक्सेलरेशन लगेगा है ना तो सीडो फोर्स लगेगी एम अल्फा कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन आगे लगेगा ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगेगी तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ फ्रिक्शन की जो फोर्स है मैक्सिमम वैल्यू वो म्यू इन एन से कम होनी चाहिए जहाँ पर एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी एम इन टू एल्फ़ा हो जाएगी लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम को हम देखें तो एफ़ की वैल्यू एम जी के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एम जी की वैल्यू शुड बी लेस देन दैट ऑफ म्यू एम इन टू एल्फ़ा तो यहाँ पर से हम एम को एम से कैंसिल आउट कर देंगे दैट इज़ एल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन में म्यू आना चाहिए अब देखो हमने इनइक्वालिटी में आंसर निकाला है और क्वेश्चन में भी फॉर्चुनेटली बट अनफॉर्चुनेटली इन इनइलिटी में ये आंसर दे रखा है लेकिन क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम नेक्स्ट आ जाते हैं हमें क्या दिया गया एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया गया है हमसे एंगल थीटा पूछा गया बच्चों ध्यान से देखना एक ही रोप है ये रोप जो है वो एक ही रोप है ऐसा नहीं है कि अलग अलग रोप है तो इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी हमेशा एक ही टेंशन प्रोड्यूस होगी तो अगर ये मास एम है एम जी नीचे लग रहा है टेंशन ऊपर लग रहा है यहाँ पर भी टेंशन ऊपर एम जी नीचे तो अगर मैं ध्यान से देखूँ किसी भी एक ब्लॉक को ले लूँ तो टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर आ जाएगी क्योंकि सिस्टम एक में है अब यहाँ पर इस ब्लॉक के लिए एक टेंशन इस तरफ लग रहा है और एक टेंशन इस तरफ लग रहा है और इसका रूट टू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ टू टी साइन थी भाई इस टेंशन का कॉम्पोनेंट इन दोनों टेंशन का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर मुझे लिखना होगा तो इसका कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा t कॉस थीटा अब ये एंगल भी हमारे पास थीटा है तो इसका भी कॉम्पोनेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा तो 2t टी कॉस थीटा ये बात समझ आ गई तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि भाई 2t टी कॉस थीटा वैल्यू शुड बी इक्वल टू किसके बराबर हो जानी चाहिए रूट टू एम जी के बराबर हो जानी चाहिए यहाँ पर ये यह हमने लिख दिया तो हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे रूट टू एम अपॉन में टू टाइम्स ऑफ टेंशन टी टेंशन टी हमारे पास किस बराबर है एम के बराबर है दैट इज वन अपॉन में रूट टू रूट टू अगर हम लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू वन बाई रूट टू कब आती है फोर्टी फाइव डिग्री पर आती है बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा देन बॉडी ऑफ टेन के मास

तो अगर हम यहाँ पर एफ बी डी बनाएं हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की तरफ लग रही है तो यहाँ पर हमें बस एन एल एम की इक्वेशन लिखनी है मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ए ये रहा एक्सेलरेशन ये रहा मास मास ऑफ़ द बॉडी इंटू एक्सेलेशन ए द एक्सटर्नल फोर्स जो कि एक्सेलेशन के डायरेक्शन में है पॉजिटिव रहेगी और फ्रिक्शन फोर्स कैसी है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो बच्चों क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी अब यहाँ पर अगर मुझे मान लो एक्सोलेशन की वैल्यू लिखनी है तो एफ़ माइनस एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों एम हो जाएगा एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर माइनस स्मॉल एफ़ की वैल्यू कितनी है स्मॉल एफ़ की वैल्यू यहाँ पर हमारे को दे रखी है म्यू इन टू एन ठीक है एन की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं एम जी एम जी एम की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं एम की वैल्यू दे रखे टेन के जी जी की वैल्यू दे रखे नाइन पॉइंट एट म्यू की वैल्यू निकालनी है अपॉन में स्मॉल एम विच इज़ टेन और ये किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपके एक्सटर्नल uh, एक्सलरीशन के कहाँ गया वो एक्सेरीशन गायब हो गया ये रहा टेन तो ये देख रहे हो बस इसी इक्वेशन के अंदर मैंने हर एक वैल्यू लगा दी भाई एफ़ की वैल्यू लगा दी मैंने ठीक है स्मॉल एफ़ की वैल्यू लगा दी जो कि म्यू एन के बराबर होगी ठीक है एम की वैल्यू लगा दी जो कि टेन के बराबर हो जाएगी और ए की वैल्यू लगा दी यहाँ पर A की वैल्यू भी टेन के बराबर है एज पर म्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू आपकी लगभग के आसपास आ जानी चाहिए विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट इन हमारे पॉइंट फोर ये दे रखा है कोपिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अ फोर्स ऑफ थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन एक फोर्स हम लगा रहे थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन सच दैट कि ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में है दैट इज उसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है जीरो ठीक है अ ब्लॉक अ फोर्स ऑफ न्यूटन विल कीप द ब्लॉक इन द यूनिफॉर्म मोशन वंस इट हैज़ बीन इन द मोशन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ थ्री न्यूटन इज अप्लाइड टू द द बॉक्स ब्लॉक ब्लॉक विल देयर अब हुआ क्या मैं सिनेरियो बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है फ्रिक्शन सरफेस पर पड़ा है उसके ऊपर तुमने थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन की फोर्स लगाई है ना तो उसकी वजह से ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में आ गया यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है हमारा एक्सलेशन कितना होगा ज़ीरो होगा एक बार जब वो यूनिफॉर्म मोशन अटेन कर लेता है एक बार जब वो यूनिफॉर्म मोशन अटेन कर लेता है तो मैं फ़ोर्स लगाना शुरू हो जाता हूँ थ्री न्यूटन की तो अब बताओ अब क्या होगा देखो सुनो मेरी बात पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है पॉइंट फोर तो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई हाँ म्यू एम एम यहाँ पर कितना दे रखा है ब्लॉक का मास कितना दे रखा है मास नहीं दे रखा वेट दे रखा है तो वेट दे रखा है टेन न्यूटन तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन न्यूटन दैट इज फोर्टी तो हम यहाँ पर देख रहे पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ही फोर्टी न्यूटन है तो इतनी सारी जो ये बकवास कर रहा है वो लिटरली बकवास वाली बातें थी यार एक बात बता जब तुझे पता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ फ्रिक्शन फोर्स चालीस न्यूटन है तू हवा में चीज़ों को उड़ा रहा था तू हवा में चीज़ों को यूनिफॉर्म मोशन में ले आया बात समझने की है यार मतलब ये तो वही वाली बात हो गई चीटी हाथी को खींचने की कोशिश कर रही है और अपनी काथाएँ सुना रही है कि भाई मैंने हाथी को खींच दिया अबे हाथी अपनी जगह से नहीं हिला तो चीटी ने बोल दिया भाई अगर हाथी अपनी जगह से नहीं हिला तो उसका मतलब उसका एक्सेलेशन जीरो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है अब बताओ फिजिक्स के हिसाब से तो हम ये गलत कह ही नहीं सकते बात तो सही है यार एक्सेलेशन जीरो है उसका हाँ या ना ठीक है तो बात बिल्कुल सही है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है मान भी लो ये बात ठीक है कि भाई हमने इतनी न्यूटन की फोर्स लगाई ताकि उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ले आए और एक बार वो यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन हो गया दैट इज़ उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया सिस्टम का तो हमने फोर्स बदल के थ्री पॉइंट फाइव की जगह थ्री न्यूटन रख दिया अरे मेरे भाई चालीस न्यूटन तो उसे मूव करने के लिए चाहिए कहाँ थ्री पॉइंट फाइव और थ्री न्यूटन की बात चल रही है सिस्टम ही मूव नहीं करेगा चलो आंसर देखते हैं आंसर क्या क्या कह रहा है मूव ओवर द सरफेस विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी गलत अब ये वाला पहला ऑप्शन उसने क्यों डाला एग्जाम बनाने वाले ने वो इसलिए डाला कि तुम पढ़ोगे यूनिफॉर्म मोशन तुम फटाक से आंसर लगा दोगे कि भाई कॉन्सटेंट वेलोसिटी है दिमाग में तो यही आएगा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मूव हैविंग एक्सेलरेशन अरे नहीं भाई एक्सेलरेशन कहाँ होगा खुद ही ने तो कहा यूनिफॉर्म मोशन है विल नॉट मूव ये सही है फर्स्ट मूव विद कॉन्सटेंट वेलोसिटी फॉर सम टाइम देन विद एक्सेलरेशन नहीं गलत है टाइम पास क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल नहीं मतलब उसने बनाने पता है पूरी गाथा लिख दी उसने ये सोच कर कि भाई बंदा कहाँ फंसेगा कहाँ फंसेगा फिर वो भूल गया कि भाई हम सवाल सॉल्व करवा रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं अनमोल सर तुम्हारे साथ है देखो ठीक है तो यहाँ से हमें क्या सीख मिल रही है इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से ये सीख मिली सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले तुम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल कर चेक कर लिया करो तभी मैं क्लास के अंदर बोलते रहता हूँ कि जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है एफ मैक्स निकाल कर एक बार चेक कर लिया करो कि भाई जो हमारा एफ मैक्स है क्या वो एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा है या कम है उससे पता तो चल जाएगा सिस्टम मूव करेगा या नहीं करेगा वरना फालतू तो की मेहनत हम कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर चलो आगे बढ़ते हैं कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजोंटल रोड विद अ स्पीड वी नॉट द कोपिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज़ म्यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप इज़ अरे कुछ नहीं है तुम्हें याद है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हमने कैनमेटिक्स में करा था वही पूछ रहा है कह रहे कि देखो कार है कार और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन कोपिशेंट है वो हमारे पास कितना है म्यू है तो अब यहाँ पर क्या होगा हमसे पूछा गया कि मान लो कार वी नॉट वलोसिटी से चल रही है है ना और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कार लेगी इन ऑर्डर टू स्टॉप अगर मान लो ये कार ब्रेक व्रेक लगाती है कंप्लीटली इसके टायर रुक जाते हैं अचानक से तो फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स देगा तो ये बताओ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा अब ध्यान से सुनना यहाँ पर तुम्हारी कार आगे जा रही है और उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है तो मैं ये कहूँगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस वही लॉजिक तो मैं वही लगाऊंगा कैनोमैटिक्स वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस का वी स्क्वायर यू स्क्र टू एस कि भाई मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास वी नॉट का होल स्क्वायर हो गई एक्सेलरेशन जो होगा वो मेरे पास क्या होगा फ्रिक्शन अपॉन में मास एम नेगेटिव ठीक है और एस क्या हो जाएगा मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ऐस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एफ अपॉन में एम और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर टू तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू इंटू एफ अपॉन एम तो ये आ जाएगा वी नॉट एम अपॉन में टू एफ वी नॉट एम अपॉन में टू एफ एफ की वैल्यू क्या है फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी म्यू एम जी तो यहाँ रख देना म्यू एम जी तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो वी नॉट स्क्वायर करना मत भूलना पता है क्यों बता रहा हूँ वी नॉट स्क्वायर करना मत भूलना तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है जो कि इस नेग्लीजेंस को देखते हुए चल रहा है समझ रहे हो देखो अभी मैं वी नॉट स्क्वायर करना भूल गया था फिर मुझे याद आया यार मैं कुछ भूल रहा हूँ वी नॉट स्क्वायर भूल रहा हूँ अगर मैं वी नॉट लिख देता तो आंसर भी मैच कर जाता और मैं फटाक से क्योंकि जल्दबाजी होती है ना फटाक से अगर आगे बढ़ जाता तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू जी इज दैट क्लियर तो आंसर आएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू म्यू जी दैट विल बी द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम